अब हम एनसीईआरटी से इसका लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। आपको साथ साथ एनसीईआरटी खोले रखना है और पढ़ना है। अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करें। देखिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म्स बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क ए मोर बेसिक क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्या पूछ रहा है भाई ये कि भाई अलग अलग तरीके हैं जो रिप्रोडक्शन करने के, उसको डिस्कस करने से पहले हम क्या देखेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन का एक बेसिक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भाई रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका फ़ायदा है ऑर्गेनिज्म के लिए, उसकी स्पीसीज के लिए। तो देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, उसके बाद हम इसका बेसिक क्वेश्चन जो है और मैकेनिज्म को अलग अलग पढ़ेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। फिर आपके सिलेबस में आपका प्लांट रिप्रोडक्शन भी है आई थिंक, और एनिमल रिप्रोडक्शन भी है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी बताया गया है और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो चलिए, आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। अगर कोई बंदा रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा। तो मतलब क्या है, वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी तो नहीं है जैसे कि हमारे दूसरे प्रोसेस, जैसे कि खाना खाना है, सांस लेना है, एक्सक्रीशन है। तो अगर ये प्रोसेस हम नहीं करेंगे तो हम डेड हो जाएंगे। मतलब ये क्या है, दीज आर द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए तो ऐसा नहीं है कि वे रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेंगे तो हम डेड हो जाएंगे, लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएंगे। फिर भी रिप्रोडक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है। ऑन द अदर हैंड, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल्स, ए लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंट इन द प्रोसेस। और दूसरी तरफ यदि बात करें, कोई ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन करके नए ऑर्गेनिज्म बनाता है, पैदा करता है, इसमें उसकी बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी जाती है। तो मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है बॉडी का, और लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी नेसेसरी नहीं है रिप्रोडक्शन। फिर भी इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो रिप्रोडक्शन शो करता है। देखिए साफ साफ पूछा हुआ है, सो व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन ए प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करेगा जो कि हमें जिंदा रहने के लिए भी हेल्प नहीं कर रहा है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स इन द क्लासरूम। तो इसका आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो इसमें आगे भी जानेंगे। व्हाट आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इसके बहुत सत्य बात है कि जो भी हम ऑर्गेनिजम्स को आज के दिन देख रहे हैं वो इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बर्ड की स्पीसीज लगा लीजिए, जैसे कि डायनासोर है, आज नहीं है लेकिन पहले था, लेकिन अगर वो रिप्रोडक्शन का रेट सही होता उसका, मतलब उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती। पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों हुई है, क्योंकि उसने रिप्रोडक्शन किया है, उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज़्यादा है। अगर वो रिप्रोडक्शन करता रहता तो पॉपुलेशन बढ़ती और आगे पॉपुलेशन और रिप्रोडक्शन करती तो आज भी वो एक्सटिंक्ट नहीं होते, आज भी वो जिंदा रहते। लेकिन ऐसा नहीं था, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम थी और वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस अपनी मेंटेन नहीं कर पाए चेंज्ड एनवायरनमेंट में, इसी कारण वो आज जिंदा नहीं है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाया, मतलब उनका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, आज से हज़ारों सालों पहले ह्यूमन बींग्स का जन्म हुआ लेकिन आज भी वो हमें दिखता है, तो क्या एक ही आदमी हज़ार साल जिंदा रहा है? नहीं, उस आदमी का डीएनए आगे कंटिन्यू हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो इसके लिए एक सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है रिप्रोडक्शन का वो आपका टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जाति को जारी रखना, यह है आपका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस रिप्रोडक्शन का। इफ देयर वर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ पर्टिकुलर काइंड, इट इज डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस। अगर कोई एक ही अगर स्पीसीज के अंदर एक ही बंदा है जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, और ये बड़ा मुश्किल है कि हम उसको नोटिस करेंगे। इट इज़ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू अवर नोटिस। तो एक स्पीसीज के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है तो उसी को आदमी नोटिस करता है कि ये स्पीसीज अलग है। वो क्यों ज़्यादा हुए, क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन किया है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस अच्छी है। हाउ डू वी नो दैट ए टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। हमें कैसा पता लगेगा अभी दो जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है या एक ही ऑर्गेनिज्म है वो एक ही स्पीसीज के हैं? तो इसका एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई दे लुक सिमिलर, एक दूसरे से जैसे दिखेंगे कुछ ना कुछ। दस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्व्स। तो रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है
कि वो ऐसे नए इंडिविजुअल्स क्रिएट होते हैं जो बिल्कुल उनके जैसे होते हैं या उनसे मिलते जुलते होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं इंटरब्रीडिंग, तो वो ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि भाई वो सेम स्पीसीज़ के हैं और रिप्रोडक्शन करके यानी इंटरब्रीडिंग करके वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, तो वो हम कहेंगे दैट दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। तो स्पीसीज का कॉन्सेप्ट जब भी आता है हम कहते हैं द ऑर्गेनिज्म विच लुक सिमिलर टू ईच अदर एंड कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड हैव ऑफस्प्रिंग्स विच आर फर्टाइल, दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बिलोंग टू ए सेम स्पीसीज। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, क्या जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है क्या वो बिल्कुल एक जैसी अपने जैसी ही कॉपी बिल्कुल फोटोकॉपी ऑफस्प्रिंग यानी संतान पैदा करता है, कोई भी फर्क नहीं होता है, जानते हैं इसका। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर, ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव हैं वो समान दिखते हैं क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन एक जैसा है। इफ बॉडी डिजाइंस आर टू बी सिमिलर द ब्लूप्रिंट्स फॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर, अगर बॉडी डिजाइन दो ऑर्गेनिजम्स का सेम है तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो ब्लूप्रिंट है जो इसका नक्शा है मतलब बॉडी जिस नक्शे के ऊपर बनी है वो भी नक्शा भी सेम होना चाहिए। दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिजाइन, तो मतलब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया का सेल है, अब इस सेल से दो नए सेल बन गए जो बिल्कुल सेम है, तो ये किसके थ्रू हुआ, रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो अगर हम बेसिक लेवल के ऊपर बात करें कि रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन जो इस पेरेंट की बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट है, जो इस पेरेंट की बॉडी डिजाइन का नक्शा है, वही नक्शा कॉपी करके वो आगे पास कर रहा है, वो का वो नक्शा इसके अंदर दे दिया और वो का वो नक्शा इसके अंदर दे दिया ब्लूप्रिंट। तो जो बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट है उसको कॉपी करके और आगे पास करना है रिप्रोडक्शन का मतलब ही। इन क्लास 9th वी हैव लर्नड दैट क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि भाई आपके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम मतलब डीएनए, और जब वो क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर ही जो अलग अलग फीचर्स हैं उस इंडिविजुअल के वो छप करके जाते हैं उस ऑफस्प्रिंग में और वहाँ वो दिखते हैं। जैसे कि यदि कोई बच्चा हुआ है तो उसको हम कहते हैं इसकी हाइट इसके दादा से मिलती है, इसके पापा से मिलती है, इसकी आँखें इसके बाल ऐसे हैं, तो वो कैसे है, कौन उसको बता रहा है कि इसके हाइट इतनी होगी, इसके बाल इस कलर के होंगे, वो जो गैमेट्स के अंदर जो डीएनए गया है, जो फादर और मदर के जो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जायगोट बना, तो फ्यूज होकर क्या क्या फ्यूज हुआ, वो डीएनए फ्यूज हुए दोनों के, मदर से डीएनए आया और फादर से डीएनए आया, दोनों डीएनए फ्यूज हुए और दोनों एक एक क्रोमोसोम की कॉपी है तो डिप्लोइड बने और उस डीएनए के ऊपर लिखा हुआ है, डीएनए को हम कहते हैं ब्लूप्रिंट, डीएनए के ऊपर नक्शा बना हुआ है पहले से ही, वो डीएनए नक्शा लेकर आया है कि भाई ये बच्चा कैसा बनेगा, इसकी आंखें कैसी रहेंगी, हाइट कैसी रहेगी। तो रिप्रोडक्शन ने क्या किया कि भाई जो माँ बाप की जो ब्लूप्रिंट था, जो नक्शा था, उसको कॉपी करके बच्चे में भेज दिया। तो ये हम समझ सकते हैं कि बेसिक काम है रिप्रोडक्शन का, और रिप्रोडक्शन क्या क्यों, ताकि भाई अपनी जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी रह सके, मेंटेन रह सके। देखिए द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, तो डीएनए के अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि प्रोटीन बनते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि भाई डीएनए से आपका आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन कहते हैं उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो एक प्रोसेस है कि भाई चीज़ें दिखती कैसी हैं, डीएनए के ऊपर तो लिखा हुआ है लेकिन वो दिखेगा कैसे, तो उस डीएनए के ऊपर लिखा हुआ है उसके हिसाब से उसका आरएनए बना और उसके हिसाब से उसका प्रोटीन बना, और प्रोटीन जो फंक्शन करेगा भाई आपकी बॉडी में दिखेगा। इफ द फंक्शन इज चेंज्ड डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, अब मान लीजिए कि फादर में प्रोटीन मान लो पी टाइप का है, मदर में पी वन टाइप का है, बच्चे के अंदर मान लो पी वन टाइप का बन गया, तो हम कहेंगे कि भाई इसकी शक्ल इसकी मम्मी से ज़्यादा मिल रही है क्योंकि वो पी वन जो प्रोटीन है वो मदर वाला इसके अंदर दिखा है। दिखा कैसे, क्योंकि वो जो डीएनए आया था मदर का उससे आरएनए बना और उस आरएनए से जो प्रोटीन बना तो वो प्रोटीन मदर की तरह एग्जैक्ट सेम काम कर रहा था। डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू डिफरेंट बॉडी डिजाइंस, तो सब डीएनए का खेल है, डीएनए कैसा गया है, फादर और मदर का डीएनए फ्यूज हुआ है, जायगोट बना है, ऑफस्प्रिंग बनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और वहाँ पर कि भाई बॉडी डिजाइन फादर और मदर का मिक्स होके आता है, एग्जैक्ट कॉपी भी बनती हैं लेकिन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनती हैं।
देयरफॉर ए बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो क्या है कि जो रिप्रोडक्शन होने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पूरा जो डीएनए है उसकी एक और कॉपी बनानी पड़ेगी, ताकि वो जब बच्चे के अंदर पास हो तो वो कॉपी जाए और जो फादर की ओरिजिनल कॉपी है वो उसके पास ही रहे। तो हम उसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन। सेल यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनका यूज करके जो सेल है वो अपना डीएनए की कॉपी करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है, और दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ द डीएनए इन ए रिप्रोडक्शन सेल। तो इससे क्या होता है, जो आपका सेल है जो रिप्रोडक्शन करेगा, जैसे कि गैमेट स्पर्म सेल, तो उसमें क्या हुआ है कि भाई जो डीएनए की दो कॉपी बन चुकी हैं, एक कॉपी तो आएगी आपकी बच्चे के अंदर और एक कॉपी जो फादर की है वो असली उसके पास रहेगी। दे विल नीड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और जो दोनों डीएनए कॉपी हैं वो एक दूसरे से अलग होंगी। देखिए लिखा हुआ है कीपिंग वन कॉपी ऑफ द डीएनए इन द ओरिजिनल सेल, जिसकी एक कॉपी तो ओरिजिनल सेल में रहेगी, एंड सिंपली पुशिंग द अदर आउट ऑफ द वुड नॉट वर्क बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग द प्रोसेस। जो दूसरी है उसका कोई काम नहीं है क्योंकि ओरिजिनल तो है ही, तो वो हो सकता है कि गैमेट की फॉर्म में मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे तो जो जायगोट बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, वहाँ पे वो अपना एक्सप्रेशन करेगी, वो प्रोटीन्स बनेंगे, फिर उसका ब्लूप्रिंट है वो प्रोटीन्स के रूप में एक्सप्रेस होगा और बॉडी डिजाइन बनेगा। देयरफॉर डीएनए कॉपिंग इज accomplished by creating an additional cellular apparatus, then the DNA copy separates each other with its own cellular apparatus, effectively a cell divides to give rise to the two cells. तो ये सिंपल सी बात है, ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए है। अब डीएनए को इस सेल को मान लो डिवाइड करने, एक सेल से दो सेल बनने, तो इसका जो डीएनए उसकी भी दो कॉपी होंगी, ताकि वो दोनों इक्वल इक्वल बट के दोनों सेल्स में जो बनेंगे उसमें चली जाए। तो यही कह रहे हैं कि भाई जब भी रिप्रोडक्शन होगा यानी सेल डिवाइड करेंगे तो उससे पहले डीएनए कॉपी होती है, डबलिंग होती है डीएनए की, डीएनए रेप्लिकेशन बोल देते हैं, और जिसमें से एक कॉपी जाएगी इसमें और एक कॉपी जाएगी इसमें। दीज टू सेल्स आर ऑफ सिमिलर बट आर लाइकली टू बी एब्सोल्यूटली आइडेंटिकल। ये जो दो सेल जो बनेंगे वो क्या सिमिलर रहेंगे, बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, कोई फर्क नहीं रहेगा। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व्ड अकर। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो कॉपिंग जो रिएक्शन है, मतलब जो डीएनए की कॉपी हो रही है, वो कितने किफायती तरीके से हुई है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, कोई भी जो रिएक्शन है वो 100% ठीक नहीं हो सकती है, भरोसे लायक नहीं है कि भी बिल्कुल सही है। देयरफॉर इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम। वेरिएशन वर्ड आ चुका है, वेरिएशन मतलब चेंज, हमने हेरिडिटी और रिवोल्यूशन में किया है। तो जब कॉपी हो रही है तो उस टाइम कोई ना कोई गलती हो जाती है जिसके कारण वेरिएशन आ जाती है। एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर बट नॉट टू बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। सिमिलर रहेगी, समान रहेगी, लेकिन आइडेंटिकल नहीं रहेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं रहेगी, सिमिलरिटी रहेगी। सम ऑफ दिस वेरिएशन माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद सेलुलर अपरेटस इट इनहेरिटेड। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा इतनी बदल जाती है कि जो डीएनए पूरा ही चेंज मिलता है। सच ए न्यू बॉर्न बेबी विल सिंपली डाई, तो वो डाई करेगा क्योंकि वो भाई इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है कि वो सेल को काम ही करने नहीं दे रहा है, जो उसका एनवायरनमेंट है उसमें काम ही नहीं कर पा रहा है, तो काम नहीं कर रहा है तो सेल तो डेड हो जाएगा, तो एम्ब्रियो भी डेड मिलेगा। ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपी दैट वुड लीड टू द सच ए ड्रास्टिक आउटकम। कई बार कुछ ऐसा होता है कि भाई वेरिएशन इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत ही अद्भुत आउटकम निकलती है। दस द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट स्टेबली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो ऑफस्प्रिंग के सेल बनेंगे वो क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे लेकिन स्टेबल रहेंगे। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज बेसिस फॉर इवोल्यूशन एज विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो हम ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर कर चुके हैं कि भाई इवोल्यूशन किसके कारण आ रहा है, तो रिप्रोडक्शन के कारण। क्यों आ रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बारे के दौरान डीएनए कॉपी हो रहा है, डीएनए कॉपी हो रहा है तो वहाँ पे कुछ गलतियाँ हो रही है, गलती हो रही है तो वो गलतियाँ के कारण वेरिएशन आ रही है, चेंजेज आ रही है, और वो वेरिएशन के कारण ही इवोल्यूशन हो रहा है, विकास हो रहा है। अब मान लीजिए कि भाई छोटी सी उम्र में इवोल्यूशन को समझाऊंगा कि ये कोई पीढ़ी है, ये थी पहली पीढ़ी और ये इसकी 100वीं पीढ़ी, और हर एक रिप्रोडक्शन हुआ है तो 100 पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते रिप्रोडक्शन हुआ हर एक बार। तो पहली पीढ़ी में V1 वेरिएशन आई, ऐसे V2 आई, और ऐसे करते करते V100 100वीं पीढ़ी तक 100 वेरिएशन आ गई। तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन आ गई कि भाई ये बिल्कुल अलग दिखने लग गया, ये 100 पीढ़ी पहले कुछ अलग दिखता था, ये बिल्कुल ही अलग दिखने लग गया, और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये आपस में रिप्रोडक्शन भी ना कर पाए, तो हम कहेंगे नई स्पीसीज बन गई। तो यही रहता है इवोल्यूशन।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पीछे के वीडियो में हम देखा था कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो होता क्यों है। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उसमें हमने जाना अलग अलग एस्पेक्ट्स, उसके बारे में हमने रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशंस आती हैं उसके बारे में समझा कि वेरिएशन आती क्यों हैं, अलग अलग कौन से तरीके हैं और उनका इवोल्यूशन में क्या रोल होता है। तो आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निशेस इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। क्या होता है कि जो इकोसिस्टम होता है, जैसे कि आपका इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर की अलग अलग इंडिविजुअल्स लिव कर रहे हैं, रह रहे हैं और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्शन के दौरान वो क्या है, उसकी फूड चेन भी बनी हुई है। जैसे कि हम फॉरेस्ट की बात करें तो भाई प्लांट से जो है वो, मान लीजिए गोट जो है वो घास खाती है, प्लांट से अपना सनलाइट का यूज़ करके फूड बना रहे हैं, फिर उसको घास खा रही है बकरी, अब बकरी को मान लीजिए शेर खाएगा, तो एक लिंक बना हुआ है इन्होंने, तो यही एक फूड चेन हम बोल देते हैं। और हर एक जो इकोसिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, उसके ऊपर इनकी मतलब हैबिटेट या हम कहेंगे प्लेस होता है। जैसे कि हर एक जो पॉपुलेशन, जैसे कि मैं अगर कहूँ गोट है, तो गोट कहाँ मिलेगी, सबसे पहले आपके प्लांट आएंगे, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, उसके बाद जो ग्रासेस लगा लो चाहे, तो सब सर्वसागी प्लांट जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं, तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया। अब क्या जो आएगा, इसके हर्बीवोरस आएंगे। हर्बीवोरस क्या होते हैं भी, जो वेजिटेरियन होते हैं, मतलब जो सिर्फ पेड़ पत्तों को खाते हैं। तो अब हर्बीवोरस आएंगे, तो जो बकरी है वो आई थिंक हर्बीवोरस है, तो वो घास को खाएगी, तो उसकी पोजीशन वही है कि भी सेकंड पोजीशन पे आएगी वो। हम इसको कहते हैं ट्रॉपिक लेवल, जो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आपके आई थिंक चैप्टर भी है ये। तो मैं सिर्फ निशेज को डिफाइन कर रहा हूँ और इकोसिस्टम को, कि हर एक इकोसिस्टम के अंदर पर्टिकुलर निश के ऊपर ही जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। और वो भी कौन डिफाइन करता है, उसकी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिजम्स टू यूज दैट पर्टिकुलर निश। क्या होता है, आपको पहले बताया था, जब रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए की कॉपी होती है, डीएनए अपने आप को डबल करता है ताकि एक कॉपी वो उसके पर्टिकुलर पेरेंट बॉडी के अंदर ही रहे और जो नई कॉपी बनी है वो अपने पेरेंट्स, जो अपने ऑफस्प्रिंग है उनके पास पास कर सके। और वो पास करेगा तो उसके अंदर क्या है, आपको बताया था ब्लूप्रिंट है, नक्शा है कि वो बॉडी डिज़ाइन कैसा बनेगा, आगे जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनका बॉडी डिज़ाइन कैसे बनता है। तो देखिए, द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो जो कंसिस्टेंसी है, जो लगातार मतलब डीएनए कॉपी जो हो रही है वो कंसिस्टेंसी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो डीएनए कॉपी हो रहा है और अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रहा है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन फीचर्स। वो क्या करता है, मैंने आपको बताया था डीएनए के ऊपर ब्लूप्रिंट होता है, नक्शा होता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आगे जाके कैसे बनेगा, तो मतलब कि बॉडी डिज़ाइन हो गया, फीचर हो गया, तो उन फीचर्स को मेंटेन रखने के लिए, सेम टू सेम रखने के लिए, दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज़ दैट पर्टिकुलर नेचर। सब आपको कहा कि इकोसिस्टम के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर पोजिशन है, तो उस पोजीशन को हमने कह दिया निश। तो हर एक ऑर्गेनिज्म उस निश के ऊपर प्रेजेंट है और वो किस लिए प्रेजेंट है, कि भाई उसका बॉडी डिज़ाइन ही ऐसा है, उसके फीचर्स ही ऐसे हैं कि वो वहीं पे सूट होता है। अब मान लीजिए कि भाई जो आपके उस ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग आएंगे वो भी मतलब वहीं हैबिटेट में अगर सूट रहना चाहते हैं तो उसका बॉडी डिज़ाइन भी सेम ही होना चाहिए, उसके पास भी सेम फीचर होने चाहिए। अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ गड़बड़ होगी या कुछ डीएनए जो कॉपी हुआ उसके दौरान कुछ गड़बड़ होगी जिसके कारण कुछ डिज़ाइन चेंज होगी फीचर, तो क्या होगा, वो जो ऑर्गेनिज्म है उस पर्टिकुलर निश या उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कैस कौन डिफाइन कर रहा है, रिप्रोडक्शन ही डिफाइन कर रहा है। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो मतलब हम क्या कहेंगे, जो एक इकोसिस्टम के अंदर जो पर्टिकुलर स्पीसीज है वो एक जगह पे फिक्स है, एक जगह के ऊपर प्रेजेंट है नेचर में, उसकी स्टेबिलिटी को कौन दिखा रहा है, तो रिप्रोडक्शन के द्वारा ही वो स्टेबल है। हाउएवर निश कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या है कि भाई निश चेंज हो सकती है और वो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, तो टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप और डाउन, जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर नीचे हो सकता है। वाटर लेवल कैन वेरी, जो वाटर का लेवल है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है। और देयर कुड बी मीटोराइट हिट्स, और जो आसमान से जो आपके मीटियोर और मीटोराइट्स गिरते हैं, उल्का पिल्ड वो भी गिर सकते हैं, उसके द्वारा भी आसपास का जो एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है। टू थिंक ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके कारण क्या होता है, आपका निश चेंज हो सकता है। इफ़ ए पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वर शूटेड टू ए पर्टिकुलर निश एंड इफ निश वर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, तो पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। क्या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर निश मतलब पोजिशन, या हम कहेंगे हैबिटेट, आप हैबिटेट भी बोल सकते हो कि नेचर के अंदर कहाँ प्रेजेंट है, तो एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है,
और क्या होगा, अचानक उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, जैसे कि हमने बताया, मान लीजिए टेम्परेचर चेंज हो गया, वाटर लेवल के कारण कुछ हो गया, या मीटराइट हो गया, कुछ और हो गया वहाँ पे, तो जो वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन करने वाली ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर ड्रास्टिकली हमने उसका निश चेंज कर दिया, यानी उसका हैबिटेट चेंज कर दिया, तो पॉपुलेशन विल बी वाइप्ड आउट, तो पॉपुलेशन की पूरी सफाई हो जाएगी वहाँ से, तो पूरा साफ हो सकते हैं। हाउ वेरी सम वेरियंट्स फॉर टू बी प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशन, देयर विल बी सम चांसेस फॉर देम टू सर्वाइव। लेकिन अगर इस कंडीशन में भी कुछ एक जो उस पॉपुलेशन के मेंबर हैं उसके अंदर कुछ वेरिएंट्स हैं, मतलब कुछ अलग हैं उसमें, उसका डीएनए कुछ अलग था, कुछ रिप्रोडक्शन के दौरान जब डीएनए कॉपी हुआ तो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ डीएनए में चेंज आ गया, और वो चेंज पॉपुलेशन के अंदर नहीं, उन ऑफस्प्रिंग के अंदर चला गया, तो वो कुछ अलग थे, तो हो सकता है कि ऐसे चेंज एनवायरनमेंट में वो जिंदा रह सके, तो मतलब सर्वाइव कर सकते हैं स्पीसीज। इसका एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि मच्छर हैं, अब मच्छर के ऊपर यदि हम केरोसिन डालते हैं, देखिए हम पहले नालियों मच्छर होते थे, केरोसिन डालते थे मिट्टी का तेल, और ज़्यादातर मच्छर मर जाते थे, आजकल बहुत कम मरते हैं, क्यों? तो सोचिए इस बात को, देखिए मान लीजिए ये अब मच्छर का निश क्या हो गया भाई, जो नाली है उसके अंदर मच्छर प्रेजेंट हो, निश हो गया, और एनवायरनमेंट चेंज होने का मतलब क्या है, अब शुरू में सही था एनवायरनमेंट उसके लिए, जो आराम से जिंदा रह रहे थे सभी, तो हमने क्या किया, एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, अचानक से केरोसिन डाल दिया वहाँ पे, मिट्टी का तेल डाल दिया एनवायरनमेंट में, तो मिट्टी का तेल डाल दिया तो अब क्या होगा भाई वहाँ पे, क्योंकि केरोसिन डल चुका है, अब ज़्यादातर जो उस स्पीसीज़ के मेंबर हैं, यानी ज़्यादातर जो मच्छर हैं वहाँ पे, वो मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? कि भाई उसका डीएनए उस बात को सहन नहीं कर पाया, उसके अंदर ऐसे डिजाइन या फीचर नहीं है कि वो केरोसिन के साथ फाइट कर सके और उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन उसी स्पीसीज़ में से कुछ एक मच्छर ऐसे रहेंगे जिसका डीएनए थोड़ा चेंज था, जो अपने माँ बाप से कुछ डीएनए को चेंज करके आया, कुछ वेरिएशन उसमें आ गई डीएनए में, और हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसा चांस हो कि वो बेटर सर्वाइव कर सके ऐसे एनवायरनमेंट, यानी केरोसिन के एनवायरनमेंट में वो बेटर अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो हो सकता है कि मान लो शुरू में 5000 मच्छर थे, 5000 में से 5 मच्छर बच गए, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी वेरिएशन थी कि वो इस चेंज्ड एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकते थे। अब क्या होगा, वो 5000 मच्छर रिप्रोडक्शन करेंगे और ऐसे ही अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, तो अगली बार जब हम केरोसिन फिर से डालेंगे तो ज़्यादा मच्छर सर्वाइव करेंगे, क्योंकि वो जो चेंज्ड जो मच्छर थे उन्हीं से ही वो रिप्रोडक्शन हुआ है, उन्हीं से ही वो नए मच्छर बने हैं, तो डेथ तब भी होगी लेकिन बहुत कम होगी। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, वो रेजिस्टेंट होते चले गए। ऐसे ही हमने डीडीटी की भी स्टडी कर सकते हैं कि भाई डीडीटी से क्यों नहीं मरते आजकल, तो वो भी क्या है, रेजिस्टेंट होते चले गए, तो वेरिएशन का उसको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, तो पॉपुलेशन को भी, अगर वहाँ पे मान लीजिए वेरिएशन नहीं होती, अब मान लीजिए वो जो गंदे नाले थे उसमें सभी मच्छर एक ही जैसे होते और जो केरोसिन डालने से मर जाते, तो क्या होता है वहाँ पे उसकी स्पीसीज ख़त्म होगी उस निश्चय, तो स्पीसीज को बचाने के लिए क्या है, ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, इसी को हम स्टडी कर रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन क्यों है, क्योंकि वो सर्वाइवल को बढ़ाती है, और सर्वाइवल बढ़ेगा तो इवोल्यूशन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी स्पीसीज की, और स्पीसीज की कंटिन्यूशन मेंटेन रहेगी। However, some variants to be present in the few individuals, the population, there could be some chances for them to survive. तो मतलब कुछ variants अगर तो वो population के अंदर, तो वो कुछ chances हो जाते हैं survive करने के। 10. If there were a population of bacteria living in temperature water, देखिए ये example दे रहा है, वो बता रहा है कि भाई कुछ bacteria है जो कि normal temperate water के अंदर जिंदा रह रहे हैं। If the water temperature were to be increased by global warming, अब क्या हो सकता है कि global warming के कारण वहाँ के पानी का टेम्परेचर बढ़ जाए, मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया वुड डाई, ज़्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे भाई? क्योंकि उसका डीएनए जो है, उसके माता पिता से जो उसको मिला है, उसके अंदर उसका बॉडी डिजाइन, उसके फीचर्स ऐसे हैं कि वो ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते। बट द फ्यू वेरियंट रजिस्टेंट टू द हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो, लेकिन उन्हीं में से कुछ आपके जो बैक्टीरिया है वो ऐसे भी मिलेंगे जिनको उसके माता पिता से कुछ ऐसा डीएनए मिला है जो कि चेंज था। क्यों चेंज था? क्योंकि भाई जब डीएनए ने मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पर कुछ इनएक्यूरेसी आ गई, इनएक्यूरेट हुआ वो, कुछ जो प्रोसेस है वो 100% एक्यूरेट नहीं है, तो वेरिएशन आई उसके द्वारा, और वेरिएशन आने के कारण वो हीट रेजिस्टेंट हो गए, तो मतलब ज़्यादा टेम्परेचर उसके ऊपर असर नहीं डालेगा, और जिसके कारण वो उस चेंज एनवायरनमेंट में भी, यानी ग्लोबल वार्मिंग के दौरान भी वो जिंदा रहेंगे। तो मतलब वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, तो मतलब क्या होता है, वेरिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टाइम के दौरान, जैसे जैसे टाइम बीतता है तो स्पीसीज का सर्वाइवल अगर रहना है, स्पीसीज को अगर जिंदा रहना है अर्थ के ऊपर, तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ही अपना मेन रोल प्ले करता है। हम कहते हैं वेरिएशन इज द फाउंटेन हेड ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसी के कारण आगे इवोल्यूशन होता है। मान लीजिए वेरिएशन नहीं आते, सिंपल सी बात है, अगर बैक्टीरिया का ही बात करें कि भाई अगर वेरिएशन वेरिएंट वहाँ पर नहीं होते बैक्टीरिया, और ग्लोबल वार्मिंग के दौरान जो टेम्परेट जो वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया है सभी मर ही जाते हैं, तो मतलब वो बैक्टीरिया खत्म होगा अर्थ के ऊपर से, उसकी स्पीसीज खत्म हो चुकी है, वो स्पीसीज स्टेबल नहीं थी, वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाई, और कुछ जो जिंदा बचे हैं जैसे इस केस में, वो क्यों बचे हैं? क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन थी। तो इससे मेरे को लगता है कि आपको समझ आया होगा कि भाई वेरिएशन का क्या रोल है, आपकी वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टार्ट करेंगे। अलग अलग टाइप्स के होते हैं, फ्यूजन हो गया, बर्डिंग हो गया, रीजनरेशन, तो ये सब वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, यानी जो भी आपके बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको भली बात ही पता है, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि भाई दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बात आती है कि जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिपेंड किस पे ऊपर करेगा, कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेगा या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेगा, ये कौन डिसाइड करता है। तो देखिए एक लाइन लिखी हुई है, द मोड बाय विच वेरियस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो उसका बॉडी डिज़ाइन है, जो एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका बॉडी का डिज़ाइन कैसा है, उसके अंदर की इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, वो डिसाइड करता है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसका बॉडी डिज़ाइन ही कुछ ऐसा रहेगा कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकता, इसीलिए वो एसेक्सुअल कर रहा है। कई जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो डिसाइड करता है आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर कि भाई आसपास का एनवायरमेंट आपका कैसा है, वो डिसाइड करेगा कि भाई जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगा। तो जो पहला हम स्टडी करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अलग अलग टाइप्स क्या हैं। तो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे आपने पढ़ा है पिछली क्लासों में, तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा और जिसके अंदर ना कोई फर्टिलाइजेशन होगा, ना ही गैमेट बनेंगे और ना ही आपकी वेरिएशन आती है। तो ये तीन चार पॉइंट हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। यूनिपेरेंटल होता है, यानी एक ही पेरेंट होगा। उसके बाद नो गैमेट फॉर्मेशन, कोई भी गैमेट नहीं बनेंगे। नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और लास्ट में है नो वेरिएशन, यानी कोई भी वेरिएशन नहीं आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जब वेरिएशन नहीं आती है तो हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, तो क्लोन की फॉर्मेशन होती है। क्लोन की डेफिनेशन क्या होती है भाई, कि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल, ऐसे दो इंडिविजुअल जो कि जेनेटिकली, जिनका जेनेटिक मेकअप, जिनके जीन्स भी सेम है, एंड मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से देखने में भी बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहला टाइप की स्टडी करते हैं, देखिए फ्यूजन। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन और फ्यूजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है, तो उनके अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन ही उसका एक रिप्रोडक्शन का तरीका होता है। सेल डिवीजन क्या होता है, जिससे नए सेल्स बनते हैं, तो एक सेल डिवाइड करके आगे दो नए सेल बनाता है। तो ये जो सेल डिवीजन का तरीका ही है, सेल डिवीजन इज इट्सेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो इसको हम कह देते हैं फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक करना, फ्यूजन ब्रेक करना। तो क्या होगा, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक हो जाएगा और दोनों जो दो पार्ट में ब्रेक हुआ वो एक नया दो इंडिविजुअल बना लेंगे। देखिए मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फ्यूजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स जो हैं, अलग अलग तरीके हैं फ्यूजन के, वो ऑब्जर्व किए गए हैं। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इंटू टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और प्रोटोजोआ हैं जो क्या करेंगे, दो हाफ में डिवाइड कर जाते हैं। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया बीच में से इसको दो हाफ में डिवाइड कर गया, तो ये वाला एक नया बैक्टीरिया बनाएगा और ये वाला एक नया बैक्टीरिया बनाएगा। तो ये सिंपल तरीका है फ्यूजन का कि भाई बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के अंदर क्या होता है, जो पेरेंट बैक्टीरिया होता है वो दो इक्वल हाफ में, दो इक्वल पार्ट्स में टूट जाएगा और नए दोनों पार्ट्स बनेंगे, उससे नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। तो क्या होता है, किसी भी प्लेन के अंदर हो सकता है, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन या किसी भी प्लेन के अंदर वो हो सकता है। देखिए आपका डायग्राम दिखाया गया है, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, तो ये अमीबा है, ये आपका प्रोटोजोआ होता है। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो बीच में जो आपका बन रहा है, बीच में ये गहरा होता जाएगा और लास्ट में गहरा होते होते दोनों अलग अलग में ब्रेक हो जाएगा, तो दो नए इंडिविजुअल बन चुके हैं। देखिए हाउएवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो सम वाट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज सच एज सीन इन लेशमानिया विच इज कोज काला अजर विच हैव ए विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल। तो क्या होता है, बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अलग होता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया गया है आपका लेशमानिया का, लेशमानिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि काला अजर एक डिजीज़ होती है उसको कोज करता है, याद रखना है एग्जांपल को, लेशमानिया विच कोज डिजीज़ काला अजर। तो इसका क्या होता है, एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है एक एंड के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं विप लाइक स्ट्रक्चर है। इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन अकर्स इन डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू देयर स्ट्रक्चर।
तो देखिए, जैसे कि आपको बताया था कि भी अमीबा के अंदर जो हमने देखा ऊपर एक बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल अमीबा, तो अमीबा के अंदर किसी भी प्लेन के अंदर वो कट होकर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बन जाएगा। लेकिन ये जो आपका जैसे कि लशमानिया है वो एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में होगा, वहीं से ही स्टार्ट होगा उसका स्ट्रक्चर। जैसे कि ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो इस साइड से ही ये दो भाग में डिवाइड होना शुरू हो रहा है, तो और आखिर में दो नए नए इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट हो सकता है या यहाँ से भी हो सकता है या इस साइड से भी हो सकता है, ये नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा कि भाई जो आपका ओरिएंटेशन, इसी ओरिएंटेशन में ही वो स्टार्ट होगा। तो कुछ एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर बाइनरी फ्यूजन डेफिनेट ओरिएंटेशन के अंदर स्टार्ट होता है, जिसका एग्जांपल है लिशमानिया विच कोजिज कालाजर डिजीज। अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स सच एज मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम एक और एग्जांपल आया है आपका फ्यूजन का। सबसे पहले अमीबा है, फिर हमने पढ़ा लिशमानिया, अगला एग्जाम्पल है आपका मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, जो पैरासाइट जो कि मलेरिया के डिजीज को फैलाता है, वो है आपका प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, क्या होता है एक साथ ही वो बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। देखो फ्यूजन जो है ना दो टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी, बाई मतलब टू, मतलब जो कोई पेरेंट बॉडी है वो दो हाफ में ब्रेक होके और दो नए इंडिविजुअल बनाती है आगे जाकर। अब जैसे कि यहाँ पर पढ़ा आपने मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, मान लीजिए पेरेंट बॉडी थे तो इसको कट कर दिया गया, बहुत तरीके से कट हुआ है, तो जितने बॉडी पार्ट्स में कट हुआ इतने ही नए इंडिविजुअल बन जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। इसका एग्जांपल है आपका प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम एक मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल है, और जो आपके बाइनरी फ्यूजन है वो अमीबा और लिशमानिया, याद रखना है। यीस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड गिव फर्दर एज शोन इन एक्टिविटी 8.1। तो हमने जो एक्टिविटी आप पढ़ लेना वो डिस्कस करेंगे कि यीस्ट के अंदर क्या होता है, एक बर्ड निकलता, मान लीजिए ये यीस्ट है तो इसके अंदर क्या होगा, एक जगह के ऊपर एक थोड़ा सा आउटग्रोथ हो जाएगी, एक बर्ड निकल जाएगा। अब क्या करेगा, ये बर्ड अपना साइज को बढ़ाता जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा और बड़ा हो गया, फिर क्या हो जाएगा और बढ़ता बढ़ता आखिर में क्या होगा, ये इसका वेट इतना हो जाएगा कि ये सेपरेट होकर नीचे गिर जाएगा और एक नया जो है वो बर्ड को बना लेगा। ये है आपके यीस्ट के अंदर, यीस्ट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है वो होता है बडिंग। तो उसमें क्या होता है, ये मान लो यीस्ट की बॉडी है, जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर एक आउटग्रोथ दिखाई देती है और उस आउटग्रोथ का साइज जो है बढ़ता जाता है और लास्ट में इतना साइज बढ़ जाता है कि वो नीचे ही गिर के नया यीस्ट बन जाता है। तो ये जो तरीका है उसको हम कहते हैं बडिंग, जो कि यीस्ट में होता है हाइड्रा। देखिए एक अगला जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है वो है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट क्या होता है आपका, जैसे कि ये कोई इंडिविजुअल है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया तो ये फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़ों में टूट गया, तो फ्रेगमेंटेशन। देखिए इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये किस में होता है आपका एग्जांपल, याद रखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी जो है एक से ज़्यादा सेल से बनी है और विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और जिसकी बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका बॉडी ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। एग्जांपल्स को याद रखना है, सारा खेल एग्जांपल का है, आपका सीधा क्वेश्चन आएगा डिफाइन फ्रेगमेंटेशन एंड गिव एग्जांपल, तो उसमें आपको डायग्राम बनाना है कि कैसे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, कैसे बताना है कि फ्रेगमेंटेशन होती क्या है और उसका एग्जांपल बताना है। तो इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। देखिए पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपली ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। क्या होता है, मान लीजिए ये स्पायरोगायरा है पूरा, तो जैसे ये मैच्योर होगा तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि यहाँ से होगा, तो ये अलग अलग पीसीज के अंदर ब्रेक हो, तो ये नया बन जाएगा, ये नया बन जाएगा, तो मतलब क्या होगा, फ्रेगमेंट टुकड़ों में टूट जाता है। तो स्पायरोगायरा जब मैच्योर होता है, जब पूरा मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो टुकड़ों के अंदर टूट जाता है और जो टुकड़े जो टूटे हुए हैं उसी से नया स्पायरोगायरा बन जाएगा। दीज पीसीज और फ्रेगमेंट्स ग्रो इंटू न्यू इंडिविजुअल। देखिए साफ साफ लिखा हुआ, एनसीईआरटी बहुत ही डीप पढ़नी होती है, एक एक वर्ड का बहुत ज़्यादा मतलब निकलता है। कैन वी वर्क आउट द रीजंस फॉर दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन इन एक्टिविटी 8.4। तो ये क्या पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है कि भाई क्यों हो रहा है, तो आप एक्टिविटी को पढ़ लेना फिर हम देखेंगे बाद में। देखिए दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो जो फ्रेगमेंटेशन है वो सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है, ट्रू नहीं है उनके लिए। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाई सेल, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो सेल बाई सेल मतलब कि भाई एक सेल से नया सेल बनता है, तो ऐसे वो डिवाइड ऐसे नए जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। द रीज़न इज़ दैट मैनी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली ए रेंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो क्या होता है कि मान लीजिए ये एक सेल की बॉडी है तो इसी में ही सारे फंक्शन होंगे, अलग अलग सेल तो करेगा, लेकिन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म मान लीजिए पाँच सेल का बना हुआ है,
तो इसके अंदर वो सेल जो है मिल करके काम कर रहे हैं, हर एक सेल हर एक तरह का काम कर सकता है, तो ये क्या सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कई जो मल्टी सेलर ऐसे होते हैं कि भाई जो उसके जो सेलों ने अपना काम बांटा हुआ होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हम भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन हमारे अंदर अलग अलग सेल जो है वो अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे कि आपके हार्ट के सेल जो है वो हार्ट के अंदर पंपिंग करवा रहे हैं, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवा रहे हैं, अब ब्लड को सर्कुलेट करवा रहे हैं। ऐसे आपके लंग्स के सेल हैं वो क्या करते हैं, आपके जो ऑक्सीजन आप लेते हैं सांस से, उस ऑक्सीजन को आपके सेल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन को लेते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं बाहर, किसी अपने अंदर की जो CO2 निकलती है वेस्ट के रूप में उसको बाहर छोड़ते हैं। तो क्या है, अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। आपने पढ़ा हुआ होगा पिछले क्लासेज में, तो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इस केस में क्या होता है, भाई हर एक सेल जो है वो सेल बाय सेल डिवाइड करके नया इंडिविजुअल नहीं बन सकता है। देखिए, स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज, टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स विच देन हैव टू बी प्लेस्ड एट डेफिनेट पोजीशंस इन द बॉडी। तो वही आपका सबसे पहले सेल होता है, सेल से आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है और लास्ट में आपकी बॉडी बनती है। तो ये है कि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का डिज़ाइन, कि भाई एक यूनिसेलर में तो हम कह सकते हैं एक भी सिंपल सेल है, मल्टी सेलर के अंदर भी सेल के बाद उस सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, अलग अलग टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, अलग अलग ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम अलग अलग मिलकर के पूरी बॉडी बनाते हैं। तो इसको हम कह देते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है आपका इस ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के केस में। देखिए, इन सच ए केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाई सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। तो क्या होगा कि भी ऐसे कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन के केस में जो डिवीज़न जो आपका होता है, जिसको हम कहते हैं सेल बाय सेल जो डिवाइड कर रहा है, एक सेल से दूसरा सेल बन रहा है, वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होगा, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर नीड टू यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका होता है रिप्रोडक्शन करने का, जिससे हमने पहले पढ़ा कि भाई जो आपका सिंपल सेल से ही एक सेल से नया बन रहा है, तो वो क्या है, ए बेसिक स्ट्रेटजी यूज्ड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। जो मैंने अभी आपको बताया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अलग सेल अलग अलग काम करते हैं, हमें लिखा हुआ है कि भाई डिफरेंट सेल टाइप अलग अलग तरह के सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं। फॉलोइंग दिस जर्नल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप। तो ऐसा ही है, तो रिप्रोडक्शन भी क्या होगा, हर एक सेल नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी हमने स्पेशल सेल टाइप ही चाहिए जो कि सिर्फ रिप्रोडक्शन का ही काम करेंगे। हाउ द रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल टाइप इफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल टाइप्स। तो इसमें क्वेश्चन आता होगा कि भाई मान लीजिए ये पूरा बॉडी है, इसके अंदर अलग अलग सेल टाइप्स हैं, और हम कहेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक ही तरह का सेल करेगा, तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये रिप्रोडक्शन एक ही तरह का सेल करेगा तो वो दूसरे तरह के सेल कैसे बनाएगा। देखिए, तो इसका आंसर, द आंसर इज दैट देयर मस्ट बी ए सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग प्रोलिफरेटिंग एंड मेकिंग अदर सेल टाइप्स अंडर द राइट सर्कमस्टेंसेज। क्या कह रहा है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हर एक तरह के सेल्स को बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे कि अगर आपसे मैं थोड़ा सा आगे जाके बात करूं कि जो जायगोट बनता है, जो हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो आदमी है, जो आप हैं, हम हैं, सभी एक ही सेल से बने हैं, तो वो जो एक सेल है उस सेल ने क्या किया है, आगे जा करके राइट सर्कमस्टांसिस अच्छी कंडीशंस आने पर अलग अलग तरह के सेल्स बना दिए हैं। मान लीजिए जायगोट का सेल था, इसी ने अब आपके लंग्स के सेल बनाए, आपके हार्ट के सेल बनाए, आपके आई के सेल बनाए, आपके ब्रेन के सेल बनाए। तो क्या है, इस ये तरीका होता है कि भाई जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जो एक स्पेशलाइज सेल्स होता है वही सेल रिप्रोडक्शन करता है और वो आगे जा करके सभी तरह के सेल टाइप्स बनाएगा जो भी आपकी बॉडी के अंदर है। इसको हम कहते हैं टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंट बोल देते हैं। आप आगे पढ़ेंगे बड़ी क्लासेज में, टोटिपोटेंट सेल क्या होता है, भी ऐसा सेल जो कि हर एक सेल को बनाने की कैपेसिटी रखता है। देखिए, जो अगला जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है रीजनरेशन। मैनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। रीजनरेशन मतलब दोबारा से रीजनरेट होना, दोबारा से जनरेट होना। जैसे कि इसमें एग्जांपल आप देखेंगे, जो आप सिपकली देखते हैं उसकी जो पूंछ जो है वो कट जाती है, तो दोबारा से वो पूंछ वापस आ रही है, उसकी टेल जो है वो दोबारा वापस आ रही है। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि उसके जो सिपकली के जो वहाँ पर पूंछ जहाँ से कटी है वहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसकी कैपेसिटी है जो दोबारा से टेल को वापस लेकर आ सकते हैं, दोबारा से टेल को रीजनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही क्या है, ऐसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है नेचर के अंदर जो कि अपना बॉडी से ही नया जो पूरा बॉडी बना सकते हैं।
मतलब देखिए आगे पढ़ते हैं, डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म क्या होता है भी? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसने अपना काम डिसाइड कर लिया है। देखिए मान लीजिए ये वो पूंछ है जो सिंपली की पूंछ का लास्ट पार्ट है, यहाँ से आपकी वो पूंछ स्टार्ट होती है, तो यहाँ के जो सेल्स हैं वो अब क्या डिफ्रेंशिएटेड हैं, उन्होंने अपना काम बांटा हुआ है कि भाई हमें जो है यही काम करेंगे। मान लीजिए कि ये यहाँ आगे न्यूट्रिशन देने का काम कर रहे थे टेल को, तो इन सेल्स ने अपना फंक्शन डिसाइड किया हुआ है, तो उससे इसी को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, कि इन सेल्स ने अपना फंक्शन जो है वो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है, इसको हम कहेंगे डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। तो अब देखिए मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ और ये पूंछ यहाँ से कट गई, तो अब क्या होता है, ये सेल्स तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड थे ना, लेकिन देखिए साफ साफ लिखा हुआ है मैनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स या सेल्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब क्या है, यहाँ से ये नई टेल को बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, तो ये आपका रीजनरेशन का, ये रिप्रोडक्शन का नहीं मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको सिंपली का जो वो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जो टेल होती है आपकी, जो लिजर्ड की टेल होती है उसका एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया जा रहा है आपको। रिप्रोडक्शन के जो तरीके होते हैं वो एक रीजनरेशन भी होता है, जिसका एग्जाम्पल आप देखेंगे हाइड्रा, एक हाइड्रा है और एक आपका प्लेन एरिया। देखिए दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज सम हाउ कट और ब्रोकन अप इंटू मैनी पीसीज, मैनी ऑफ दीज पीसीज ग्रो इंटू सेपरेट इंडिविजुअल्स। देखिए मान लीजिए ये कोई इंडिविजुअल है, इसको हमने काट दिया है अलग अलग पीसीज के अंदर, तो इसका हर एक जो पीस है वो नया इंडिविजुअल बनाने की कैपेसिटी रखता है, इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। इसका एग्जांपल देखिए प्लेनेरिया एंड आपका है हाइड्रा। देखिए फॉर एग्जांपल सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेज एंड ईच पीस ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। देखिए ये हाइड्रा है, मान लो हाइड्रा को जितने ऑर्गेनिजम्स ने आपने काट दिया है, जितने पार्ट्स में काट दिया है, हर एक पार्ट आपको नया हाइड्रा ले करके देगा, ये सिंपल सी बात है। दिस इज नोन एज रीजनरेशन, यही आपको रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाई स्पेशलाइज्ड सेल्स, आपको पता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म से हमने पढ़ा अभी कि स्पेशलाइज्ड सेल्स ही रिप्रोडक्शन करते हैं, तो स्पेशलाइज्ड सेल्स से ही रीजनरेशन होते हैं। दीज सेल्स प्रोलीफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, दीज सेल प्रोलीफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, मतलब ये सेल्स प्रोलीफरेट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे और बहुत सारे सेल्स बढ़ा, मतलब अपना नंबर को बढ़ा लेंगे। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स। अब क्या होगा, ये जो शुरू में क्या किया एक सेल था, ये मान लीजिए आपको रिजनरेट करके देगा, तो इस सेल्स ने अपने आप को बहुत ज़्यादा नंबर अपना बढ़ा लिया है। देखिए अब इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, अब हर एक सेल क्या करेगा, थोड़ा सा चेंज होगा और अपना अलग अलग सेल टाइप को बना लेगा। जैसे कि अपने जायगोट में होता है कि भैया पहले सिंगल सेल है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करवाएगा, अलग अलग सेल बनेंगे, आगे जा करके वो अलग अलग सेल्स अपना अलग अलग सेल टाइप बना लेंगे। तो इसको हम कहते हैं, ये जो इसको हम कहते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, दीज आर ऑल्सो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। अनडिफ्रेंशिएट होने के बाद अब वो आगे जा करके अपना चेंज होकर के और अलग अलग सेल टाइप और टिश्यूज के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, अपना फंक्शन को डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद हम उसको कहेंगे डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। तो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स से आपका डिफ्रेंशिएटेड सेल्स बन जाते हैं। दीज चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट। तो ये जो चेंजेस होते हैं, आपको पता है जो जायगोट की डेवलपमेंट, जो मैंने आपको सिंपल जायगोट का एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि जायगोट भी सिंगल सेल है और जायगोट से पूरा इंडिविजुअल बन रहा है, तो जायगोट से पूरा इंडिविजुअल बनने को हम कहते हैं डेवलपमेंट हो रही है, तो यही आपका डेवलपमेंट का नाम ले रहा है। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड अपॉन बींग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। तो ये हम ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं है, क्योंकि वो कट होकर के पूरा इंडिविजुअल नहीं बना सकते। जैसे कि आपको रीजनरेशन का डायग्राम देखिए, प्लेनेरियम में ये इंडिविजुअल है, इसको तीन पार्ट्स में हमने काट दिया है, ये इसका हेड हो गया, ये इसका बीच वाला पार्ट हो गया, इसकी टेल होगी। तो हेड से क्या होगा, नीचे का पार्ट आ गया, जो मिड वाले पार्ट से दोनों ऊपर और नीचे के पार्ट आ गए, और जो टेल पार्ट से आपका बीच का और ऊपर का पार्ट आ गया, तो मतलब ये क्या है, रीजनरेशन प्लेनेरिया एग्जाम्पल याद रखना है। अगला है आपका बडिंग। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। देखिए जो हाइड्रा होता है इसके अंदर बडिंग होते हैं, इन हाइड्रा ए बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। क्या होता है हाइड्रा, ये देखिए डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा, एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर यहाँ के सेल्स बहुत ज़्यादा डिवीजन करेंगे और एक बड बना लेंगे, एक आउटग्रोथ बना लेंगे, एक उभार बना लेंगे बॉडी के अंदर। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टीनी इंडिविजुअल्स व्हेन फुल्ली मैच्योर। अब ये क्या करेगा, ये बर्ड भी
साइज में बड़ा होता जाएगा, जैसे कि हो गया है। अब इसका साइज इतना बड़ा हो गया है कि इसका वेट बढ़ जाएगा और यहाँ से डिटैच होकर के नीचे गिर जाएगा और ये नया हाइड्रा आपका बन चुका है। देखिए, दीज बर्ड डेवलप इंटू टीनी इंडिविजुअल्स वेन फुली मैच्योर एंड डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, यही आपको बताया गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या हम इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपका चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का अगला टॉपिक करने वाले हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक द रूट स्टेम एंड लीफ डेवलप इंटू न्यू प्लांट्स। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिसके अंदर हम उस प्लांट की रूट को या तो या उसके स्टेम को या उसके लीफ को यूज़ करके एक नया प्लांट बना देते हैं अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। तो कुछ अप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर हम प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है, जिसके अंदर की रूट आता है आपका, स्टेम आता है और लीफ आता है, तो हम वेजिटेटिव पार्ट से जब हम कोई नया पार्ट बनाते हैं, नया प्लांट बनाते हैं अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, तो इसको हम कह देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट कैन इनडीड यूज सच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स इस तरह का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज इन मैथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर कैन, रोजेज, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर परपजेज। तो ये इसके अंदर आपके दो टाइप्स बताए हैं, आपके जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसके दो टाइप हैं, एक कटिंग है, एक लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं। लेयरिंग के अंदर आपका हो जाता है कि मान लीजिए ये कोई प्लांट है, उसका स्टेम है, तो स्टेम को दबा के और एक नया इसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। ये कोई प्लांट है, इससे कोई स्टेम निकला, इस स्टेम को मिट्टी के अंदर दबा दिया, कुछ टाइम बाद इसके रूट्स निकल आती हैं और फिर इसको यहाँ से कट करके और ये वाला पोर्शन एक नया प्लांट बन जाता है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल आपका है पोमीग्रेनेट, अनार के अंदर ऐसा करते हैं लेयरिंग। ग्राफ्टिंग का आप जानते ही हैं कि भाई ग्राफ्ट करते हैं प्लांट को, एक प्लांट को कट कर दिया जाता है और उसके ऊपर दूसरे प्लांट की जो रूट ने जो कट करके उसी प्लांट के स्टेम के ऊपर लगाया जाए। जैसे कि ये कोई इसको हमने कट कर लिया है और ये कोई ऊपर का पार्ट है, तो हमने इसको इस वाले प्लांट के ऊपर प्लांट करना है, ग्राफ्ट करना है, तो इसको हम कह देते हैं ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और कटिंग। कटिंग क्या क्या होता है कि भाई नॉर्मल हम किसी भी प्लांट के स्टेम को या कुछ को कट करके नीचे सोइल में लगा देते हैं और उससे कुछ समय के बाद रूट डेवलप हो जाती हैं, तो हो जाता है आपका कटिंग। इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं, शुगर केन हो गया, जैसे रोज हो गया, ग्रेप्स हो गए, तो इसके अंदर ये आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, काफ़ी यूज किया जाता है। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट उगाए जाते हैं, वो प्लांट बहुत ही जल्दी फ्लावर और फ्रूट देते हैं एज कम्पेयर टू द प्लांट्स विच आर रेज थ्रू द सीड्स। सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। तो कुछ एक ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो उन प्लांट्स को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, उन प्लांट्स की भी हम प्रोपगेशन कर सकते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज़ करके। इसके अंदर आपके एग्जांपल है बनाना, आपके ऑरेंज हो गया, रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, तो ये कुछ एक प्लांट्स हैं, इनको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही इसका रिप्रोडक्शन करते हैं। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपका जैसे पहले बताया कि भाई जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं पेरेंट्स की, जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, वो एग्जैक्ट कॉपी होती हैं, जिसको हम क्लोन्स कहते हैं। तो ऐसे ही जो आपका प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट बनता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है आपके पेरेंट प्लांट की, उसी के सारे करेक्टर उसके अंदर मिलते हैं। सिमिलरली ए बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नोचिस अलोंग द लीफ मार्जिन्स ऑफ ब्रायफाइलम फॉलो द सोइल एंड डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। ऐसे ही क्या होता है, एक प्लांट होता है ब्रायफाइलम, तो ब्रायफाइलम के जो लीफ के बीच में नोच जो होते हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नोच है, जो पत्ते के बीच में जो नोच है, नोच के ऊपर क्या आपका प्रोड्यूस हो रहा है, बर्ड्स निकल रहे हैं, और वो बर्ड्स क्या हैं, जब ये पत्ता नीचे धरती में गिरेगा और यहीं से क्या है, नया प्लांट बन जाएगा, तो हम क्या कहते हैं, ये क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जो कि लीफ के थ्रू हो रहा है, इसको हम कहते हैं लीफ बर्ड्स। तो लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायफाइलम जो है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एग्जांपल है। ये आप एक्टिविटी भी कर लीजिएगा। एक और आपका इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर।
टिश्यू कल्चर क्या है कि भाई लैब कंडीशंस के अंदर हम क्या करते हैं, इन विट्रो कंडीशन बोलते हैं। जब हम लैब में किसी चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं तो हम कहते हैं इन विट्रो प्रोडक्शन। तो हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर के अंदर किसी भी प्लांट के छोटे से पार्ट को लेकर के उस प्लांट से एक उस जो पार्ट लिया है उसका यूज़ करके हम पूरा प्लांट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। देखिए, इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। मान लीजिए कोई प्लांट है, बाहर खड़ा हुआ है, उसके आपने उससे एक लीफ लिया और लीफ को बिल्कुल पीस लिया है, क्रश कर लिया है, और क्रश करने के बाद उस लीफ को जो बिल्कुल क्रश किया हुआ है उससे हम नया प्लांट बनाए अगर, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। मतलब एक अगर हमें सेल भी मिल गया उस सेल से भी हम नया प्लांट बना दें, एक टिश्यू मिल गया उस टिश्यू से नया प्लांट बना दें। देखिए, दीज सेल्स आर देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे आर डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैलस। क्या होता है कि हमने मान लीजिए बिल्कुल छोटा सा पीस करके जो पत्ता लिया था उसको हमने एक मीडियम, एक ऐसे मीडियम के अंदर उसको ग्रो किया, उसको एनवायरनमेंट दिया एक ऐसे मीडियम का जिसके अंदर कि उस मीडियम के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है, और न्यूट्रिएंट्स का यूज करके वो जो आपका हम कहेंगे एक्सप्लांट है, जो बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा है जिससे हम नया प्लांट बनाएंगे, उससे क्या बनेगा, वो उसके जो सेल होते हैं वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करेंगे और बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेगा, हम कहते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, उसको हम कहते हैं कैलस। तो कैलस क्या होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलस को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, एक दूसरे मीडियम के अंदर जिसके अंदर की अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, और वो हार्मोन्स क्या करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं बन चुके हैं, अब ये सेल्स अपना अपना काम डिसाइड करेंगे, तो उसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, तो उसको हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो उसको एक कैलस बनने के बाद उसको एक दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ पर उनका आगे ग्रोथ होती है और डिफ्रेंशिएशन होता है। आगे क्या होता है, द प्लांट लेट्स आर देन प्लेस्ड इन सोइल सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स। अब क्या होता है, धीरे धीरे अब वो जो आपका अलग अलग पार्ट्स बनने शुरू होंगे उससे रूट्स निकलेंगे उसी मीडियम के अंदर, उसको हम रूटिंग मीडियम कहते हैं। अब रूट्स निकलने के बाद उसको एक और मीडियम चेंज किया जाता है ताकि उसकी शूट्स निकले, ऊपर का ग्रीन पार्ट बने तो ग्रीन पार्ट बनता है, और वो धीरे धीरे जब वो काफ़ी ग्रो हो जाता है उसके बाद उसको सोइल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहीं पे एक जो गमला होता है गमले के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। गमले को शुरू में लैब के अंदर ही रखा जाता है कुछ दिन तक, और धीरे धीरे उसको बाहर के माहौल के अंदर एक्सपोज किया जाता है, इसको हम कहते हैं हार्डनिंग। तो ये जो हार्डनिंग प्रोसेस है वो धीरे धीरे किया जाता है, ऐसा नहीं है कि लैब से सीधा ही हमने आपकी फील्ड कंडीशन या एनवायरनमेंट की जो बाहर की कंडीशन में रख दिया है उसको धीरे धीरे ढाला जाता है बाहर के माहौल में, कुछ समय के लिए रख दिया, फिर लैब में रख दिया, फिर कुछ रख दिया। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। तो क्या होता है, मान लीजिए कोई एक प्लांट है जिसकी बहुत अच्छे करेक्टरिस्टिक है और हमें बिल्कुल ऐसे ही प्लांट चाहिए, तो हम उसके टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, उसी प्लांट से टिश्यू कल्चर का यूज़ करके हम बहुत सारे प्लांटलेट्स, उस प्लांट की पौध तैयार कर सकते हैं जो कि बिल्कुल डिजीज फ्री रहते हैं। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो इसको हम जो सजावटी पौधे होते हैं उसके लिए काफ़ी यूज किया जाता है, इसको हम माइक्रो प्रोपगेशन भी वर्ड यूज किया जाता है। एक प्लांट टिश्यू कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको आप ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। देखिए, जो अगला टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है स्पोर फॉर्मेशन, जिसका एक एग्जांपल आपको याद रखना है राइजोपस। तो राइजोपस में क्या होते हैं आपकी स्पोर फॉर्मेशन। देखिए, इवन इन मल्टी सेलुलर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ये क्या बोल रहा है कि भाई जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी कई ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम पहचान सकते हैं। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप ऑन द ब्रेड इन एक्टिविटी 8.2 अबव आर द हाइफे ऑफ ब्रेड मोल्ड राइजोपस। तो ये जो एक्टिविटी 8.2 थी, इन्होंने क्या किया था, ब्रेड को बाहर रख दिया था, उसको मॉइस्चर थोड़ा मिलते ही उसके ऊपर एक मोल्ड डेवलप हो जाती है, एक ब्रेड मोल्ड बोल देते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डेवलप हो जाएगा, और उसके ऊपर क्या होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वो दिखाता है। तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं हाइफे, और ब्रेड के ऊपर कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है तो हम उसको कहते हैं ब्रेड मोल्ड, जिसको बोला जाता है राइजोपस। तो राइजोपस है, राइजोपस के ऊपर क्या डेवलप होते हैं हाइफे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखिए, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, अब ये जो हाइफे हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड दे ब्लोब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। क्या होता है, ये जो हाइफे होते हैं, ये जो आपके डायग्राम में देखिए, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है इसको हाइफे बोल रहा है, और इसके ऊपर जो ब्लोब है, जो हाइफे के ऊपर जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर है इसको हम कह रहे हैं, इसका रोल होता है आपके रिप्रोडक्शन के अंदर, इसको हम कहते हैं स्पोर्स। द ब्लोब्स आर स्पोरेंजिया, जो ऊपर जो आपके जो ब्लोब्स हैं, जो गोल गोल स्ट्रक्चर हैं हाइफे के ऊपर, उसको कहते हैं स्पोरेंजिया, विच कंटेन्स सेल्स और स्पोर्स। अब ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर क्या है, देखो ये जो डायग्राम में दिखाया गया है बिल्कुल बारीक तरीके से,
ये जो बिल्कुल बारीक बारीक आपको दिख रहे हैं ये क्या है, स्पोर्स हैं या सेल्स हैं दैट इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। अब ये जो स्पोर्स हैं या जो सेल्स हैं वो जब नीचे गिरेंगे तो जहाँ भी गिरेंगे तो वो एक नया राइजोपस बना लेते हैं। तो ये आपका स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो कि हवा के थ्रू भी फैल सकते हैं, स्प्रेड होते हैं, और जहाँ भी वो आपके सूटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा जिस कंडीशन में और उसी एरिया में वो नया राइजोपस बना लेते हैं। द स्पोर्स आर कवर्ड बाई थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट दैम अंटिल दे कम इन टू कॉन्टैक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन ग्रो। क्या होता है, स्पोर्स के जो चारों ओर होती है एक थिक वॉल होती है, सिस्ट बोलते हैं हम, तो ये जो एंडोसिस्ट, तो जो फोर जो स्पोर होता है इसके चारों ओर एक प्रोटेक्शन के लिए एक वॉल होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है जब तक ये अपने सूटेबल एनवायरनमेंट तक ना पहुँच जाए, और जब इसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगा, अच्छा मॉइस्चर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा कर के ये ग्रो कर जाएगा। जैसे कि ये मान लीजिए कहीं उड़ करके किसी ब्रेड के ऊपर गिर गए तो ब्रेड थोड़ा मॉइस्ट है और ब्रेड को ये यूज कर सकता है, तो ब्रेड के ऊपर ये एक नया राइजोपस नया ब्रेड मोल्ड डेवलप हो जाएगा। ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस सो फार अलाउ न्यू जनरेशन टू बी क्रिएटेड फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल। तो ये जो हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो अभी डिस्कस किया है अलग अलग टाइप्स, तो इसके अंदर आपको पता है कि ये क्या है, सिंगल इंडिविजुअल से ही पैदा होते हैं, तो हम इसीलिए इसको कहते हैं यूनिपेरेंटल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टर है आपका यूनिपेरेंटल। दूसरा जो आपको बताया गया था वो था क्या, इसके अंदर कोई गैमेट नहीं बनता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कोई भी वेरिएशन नहीं आती है, और इस केस में जो नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, जिसको हम कहते हैं क्लोन्स। तो ये सब था आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके अगला पोर्शन वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसको हम प्लांट के अंदर भी हमने स्टडी करना है और ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमने पढ़ना है, जिसको हम नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो चलिए शुरू करते हैं। वी आर ऑल्सो फेमिलियर विद द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स बिफोर ए न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। तो ये क्या कह रहा है, कुछ एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमें पता है जिसके अंदर दो इंडिविजुअल की आवश्यकता होती है एक नई जनरेशन स्टार्ट करने से पहले। बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काफ, तो जो बुल होता है वो एक नया काफ को अकेले जन्म नहीं दे सकता है। नोर कैन हैंस ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू चिक्स, तो सिर्फ जो मुर्गियाँ होती हैं, सिर्फ हैं जो होती हैं, वो भी सिर्फ आपके नए जो मुर्गी के बच्चे को पैदा नहीं कर सकते अकेले। इन सच केसेज बोथ सेक्सेज मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। इन जैसे दोनों एग्जाम्पल के केस में मेल और फीमेल जो दो इसके अंदर इंडिविजुअल चाहिए, उसके बाद ही नई जनरेशन बनती है। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच कैन बी डिस्कसिंग अबो, तो क्या हमने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था उसके अंदर कुछ कमियां हैं, तो जो हमने पहले इसके बारे में जाना है सेक्सुअल के बारे में उसमें कोई ना कोई कमियां होगी जिसके कारण आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको प्रेफरेंस देता है। तो चलिए इसी के बारे में एक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं अभी। द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज सेलुलर अपरेटस, तो हमने जाना है कि भाई जब भी रिप्रोडक्शन होता है या जब भी एक सेल से जब दो सेल बनते हैं यानी सेल डिवीजन होता है, तो उससे पहले जो आपका डीएनए होता है, डीएनए की एक और कॉपी बनती है, इसको हम कहते हैं डीएनए मल्टीप्लाई करता है, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो जो डीएनए भी मल्टीप्लाई करता है और जो भी सेल के अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म हो गया, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, हर एक की क्या है उसकी कॉपी होती है। द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट, तो हमने जैसे पहले पढ़ा है कि जो डीएनए कॉपी होता है वो मोस्टली 100% एक्यूरेट नहीं होता, एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो जब भी एरर आते हैं, जब भी गलतियाँ होती हैं, तो उसके कारण जो पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशंस आते हैं। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाई वेरिएशन, बट इन ए पॉपुलेशन वेरिएशन आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, तो जो हर एक जो इंडिविजुअल होता है वो वेरिएशन से बच नहीं सकता है, उसके अंदर आती ही आती हैं। लेकिन यदि पॉपुलेशन की बात की जाए तो वेरिएशन के कारण क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वो अच्छी तरह से फिट हो जाती है अपने एनवायरनमेंट में, तो हम क्या कहेंगे उसको, वो वेरिएशन जो होते हैं क्या होते हैं, वो सर्वाइवल फिटनेस देती हैं। वेरिएशन हमेशा अच्छी नहीं होती हैं, वेरिएशन हार्मफुल भी होती हैं। इट वुड therefore मेक सेंस इफ ऑर्गेनिजम्स केम अप विद रिप्रोडक्टिव मोड्स दैट अलाउड मोड एंड मोड वेरिएशन टू बी जनरेटेड, तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई ऐसा कि ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके अंदर की कोई ऐसा रिप्रोडक्शन हो जिसके अंदर की ज़्यादा वेरिएशन आ सके, तो वो ही इसके अंदर प्रीफर किया जाएगा। देखिए
वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्युटली 100% एक्यूरेट, दे आर प्रिसाइज इनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशंस ए फेयरली स्लो प्रोसेस। तो क्या होता है, जब डीएनए कॉपी होता है तो आपको पता है 100% एक्यूरेट नहीं है, तो उस दौरान जो गलतियाँ होती हैं उनके कारण वेरिएशन आती हैं अगली पीढ़ियों में, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत कम वेरिएशन आती हैं या वेरिएशन ना के बराबर आती हैं। इफ़ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट, मैनी ऑफ द रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद सेलुलर अपरेटस एंड वुड डाई। तो ये भी है कि यदि डीएनए मैकेनिज्म का जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा ही इनएक्यूरेट हो गया, ज़्यादा ही उसमें गलतियाँ होगी, तो वो जो अपना सेलुलर अपरेटस है, जो सेल के वो कंपोनेंट्स है, वो काम नहीं कर पाएंगे और जो वह डाई आउट कर जाए। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीड अप। तो मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर वेरिएशन आने के जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आए, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन ए डीएनए कॉपी दैट हैव ऑलरेडी हैज वेरिएशंस एक्युमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। तो मान लीजिए आप हैं, आपके पिछले जो पीढ़ी है उसमें भी वेरिएशंस आई हुई हैं, वो आपके अंदर हैं, अब जो आगे जो पीढ़ी आएंगी उसके अंदर भी वेरिएशन आएंगी, तो इसमें क्या होगा, जो डीएनए जो कॉपी होता है उसके अंदर वेरिएशन जो है वो एक्युमुलेट होती रहती हैं और वो पीढ़ियों से ही एक्युमुलेट हो रही हैं। दस टू डिफरेंट इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एक्युमुलेटेड वेरिएशन। Thus, two different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variations. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो ऐसा नहीं है कि जो वेरिएशन है वो सिर्फ एक ही पीढ़ी में आती है, वेरिएशन शुरू से ही आपके एक्यूमुलेट होती जा रही हैं, जैसे कि आप हैं और आपके जो पिछली पीढ़ियाँ थी उसके अंदर भी वेरिएशन थी, तो वो वेरिएशन एक्यूमुलेट होकर आप में आ चुकी हैं, अब आपसे आगे जो पीढ़ी आएगी उसमें भी वो वेरिएशन पास होंगी और कुछ नई वेरिएशन भी उसमें ऐड होती जाएंगी, और ऐसे ही क्या ये प्रोसेस चलता रहता है और टाइम के साथ वेरिएशन अकुमुलेट इकट्ठी होती रहती है। दस टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ अकुमुलेटेड वेरिएशन। तो यदि हम बात करें कि दो ऐसे इंडिविजुअल जो एक पॉपुलेशन में है तो उसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन अकुमुलेटेड है पहले से ही, जो उसके पिछले पीढ़ियों से उसके पास आई हुई हैं। सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशन आर इन लिविंग इंडिविजुअल्स इट इज़ एश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट्स। तो मतलब क्या है, ये जो सभी जो वेरिएशन है वो एक लिविंग इंडिविजुअल के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है जिसका कोई भी बैड इफेक्ट नहीं है और वो पॉपुलेशन के अंदर उसको फिट भी रख रहा है। कंबाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल्स वुड दस क्रिएट न्यू कम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, अब मान लीजिए ये एक पर्सन है, इसके अंदर पहले से ही बहुत सारी वेरिएशन है, ये दूसरा पर्सन है, इसके अंदर भी पहले से बहुत सारी वेरिएशन, तो यदि इन दोनों पर्सन को आपस में ही हमने लिंक कर दिया तो एक सेट वेरिएशन का ये हो गया और दूसरा जो सेट है ये आपका ये हो गया, तो जब दोनों सेट आपस में मिक्स हो जाते हैं तो एक नया कम्बिनेशन बन जाता है वेरिएशन का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और ज़्यादा वेरिएशन आने की, तो हमने क्या कर दिया, वेरिएशन को स्पीड अप कर दिया, और यही हो रहा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक मेल पार्ट होता है एक आपका फीमेल पार्ट है, तो दोनों जब आपस में ही उसके गैमेट्स फ्यूज होते हैं, तो मतलब दो सेल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं तो उनका जेनेटिक मेकअप आपस में मिक्स हो रहा है, मेकअप हो रहा है तो मतलब उनके दोनों के डीएनए आपस में मिक्स हो रहे हैं और उन डीएनए के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, और जब जो अलग अलग दोनों सेट आपके आएंगे वेरिएशंस के, तो जो नया कम्बिनेशन बनेगा यानी जो नया जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांस है और वेरिएशन आने के। ईच कम्बिनेशन वुड बी नोवल सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल। जो नया जो कम्बिनेशन रहेगा वेरिएशंस का वो बिल्कुल नया रहेगा, जो पहले कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं वो अलग हैं। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्रीज इनकॉर्पोरेट्स सच ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका मेन काम यही है कि ये दो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके डीएनए को मिक्स करने का काम करता है, जो दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, उनके अंदर अलग अलग वेरिएशंस के सेट हैं, और जब दोनों इंडिविजुअल्स का डीएनए मिक्स होगा और उसके बाद जो नया जो आपका वेरिएशन जो आएंगी वो भी बहुत ज़्यादा होंगी, और जो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है उससे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन उस केस में आती है। बट दिस क्रिएट्स ए मेजर डिफिकल्टी, लेकिन इससे एक दिक्कत भी आती है। इफ़ ईच न्यू जनरेशन इज़ टू बी कम्बाइंड ऑफ डी एन ए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स, देन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डी एन ए दैट विल प्रीवियस जनरेशन हैड। तो मतलब क्या कह रहा है कि भाई मान लो कि कोई एक इंडिविजुअल है, उसके अंदर एक डी एन ए है, और हमने क्या कहा, नया इंडिविजुअल कैसे बनेगा यानी ऑफस्प्रिंग कैसे बनेगा, जब दो इंडिविजुअल्स का डी एन ए आपस में मिक्स होगा तो मतलब क्या होगा, वो जो ऑफस्प्रिंग बन गया उसके अंदर तो डी एन ए एक पेरेंट का एक दूसरे पेरेंट का, तो डीएनए उसके अंदर दुगुना हो गया है पेरेंट से, तो इस प्रोसेस को हमें रोकना है। इसको हम कैसे रोकते हैं, अभी दिस इज लाइकली टू मैसअप विद द कंट्रोल ऑफ सेलुलर अपरेटस बाय डीएनए, हाउ मेनी वेज कैन यू थिंक ऑफ द डिफिकल्टी। मतलब क्या कह रहा है कि भाई मान लीजिए आपके पेरेंट के अंदर हम जानते हैं 46 क्रोमोजोम है, जो आपकी मदर पेरेंट है उसमें 46 क्रोमोजोम है, और जो उससे बच्चा होता है दोनों से उसके अंदर भी 46 ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर 46 और 46 मिलाकर के ज़्यादा क्रोमोसोम आएंगे। तो ये जो प्रोसेस है कि 46 कैसे आएंगे, तो ये भी एक सेलुलर मैकेनिज्म होता है, एक स्पेशल टाइप का एक सेल डिवीजन होता है जिसको हम मियोसिस कहते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं।
तो उसके अंदर जो गैमिट्स बनते हैं मतलब जो सेल्स जब फ्यूज होंगे उसके अंदर 23 क्रोमोजोम होते हैं, दोनों दोनों के 23 क्रोमोजोम मिल करके 46 क्रोमोजोम बनते हैं। वी हैव सीन अर्लियर दैट ऑर्गेनिजम्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीज। तो हमने पहले देखा है कि जैसे जैसे आपकी स्पेशलाइजेशन बढ़ती जाती है तो वैसे जैसे मतलब स्पेशलाइजेशन हो गया, टिश्यूज की स्पेशलाइजेशन बढ़ चुकी है, वैसे वैसे आपकी बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है। वन सॉल्यूशन दैट मेनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव फाउंड ऑफ द प्रॉब्लम मेंशनड अबव इज टू हैव स्पेशल लीनियज ऑफ सेल्स इन स्पेशलाइज ऑर्गन्स इन विच ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए आर कंपेयर टू नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। तो ये वही कहना चाह रहा है कि पूरे बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स और एक होते हैं नॉर्मल सेल्स। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम कहते हैं जर्म सेल्स और इसको हम कहते हैं सोमेटिक सेल्स। तो जर्म सेल्स जो होते हैं वो आके जाकर के आपके स्पेशल गैमिट्स बनाएंगे सर, जैसे कि स्पर्म बना दिया और एग बना दिया। और इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, 23 होते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं बनाएंगे, जो गैमिट्स नहीं बनाएंगे, उसके अंदर जो भी सेल डिवाइड करेगा वो 46 का ही वो करेगा। तो ये है आपके कि भाई जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक जर्म सेल्स एक होते हैं सोमेटिक सेल्स। जर्म सेल्स आगे जाकर के गैमिट्स बनाते हैं जिसके अंदर की क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। देखिए लिखा हुआ है, दिस इज अचीव बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। तो मियोसिस क्या है, स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जो सिर्फ आपके जर्म सेल्स में होता है या ऐसे सेल्स में होता है जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हमें हाफ करना है। तो क्रोमोसोम नंबर यदि हाफ करना है तो उस केस में मियोसिस ही आपका काम करता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई जर्म सेल है, इसके अंदर हम कहेंगे 46 क्रोमोसोम, तो इससे जब मियोसिस होगा तो एक मियोसिस के बाद चार सेल्स बनते हैं और हर एक के अंदर 23 क्रोमोसोम मिलेंगे। तो मतलब क्रोमोसोम नंबर और डीएनए जो है वो आधा हो गया है। दस वेन द जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स कंबाइन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, इट रिजल्ट्स इन री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द डीएनए कंटेंट इन न्यू जनरेशन। तो वही कह रहा है कि भाई मान लीजिए कोई फादर है, ये मदर है, ये फादर है आपका, ये मदर है, फादर का ये जर्म सेल है, ये मदर का जर्म सेल है। फादर के जर्म सेल के अंदर मियोसिस हुआ और ये आपका स्पर्म बन गया, स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम है। ऐसे ही जो मदर है, मदर से के जर्म सेल के अंदर मियोसिस हुआ और उसके अंदर आपसे एग बन गया, तो एग में भी 23 क्रोमोसोम है। अब दोनों आपस में जब फर्टिलाइज होंगे तब जर्म सेल जो दोनों गैमेट्स फ्यूज होंगे तो उसके बाद जायगोट बन गया, उसके अंदर 23 तो आए फादर से, 23 आए मदर से, टोटल 46 हो गए। तो यही उसके पेरेंट में थे, तो टोटल 46 क्रोमोसोम नंबर भी पेरेंट जितना ही हो गया और आपका डीएनए जो कंटेंट है वो भी पेरेंट जितना ही हो गया। इफ द जायगोट इज टू ग्रो एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म विच हैज हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन, देन इट हैज टू सफिशिएंट स्टोर्स फॉर एनर्जी फॉर डूइंग दिस। तो मतलब क्या कह रहे हैं, जायगोट क्या है, सिंगल सेल। अब सिंगल सेल से हमें पूरा इंडिविजुअल बनाना है, जैसे कि एक सिंगल सेल से पूरा आदमी बनना है, एक ह्यूमन बींग बनना है, तो इसके लिए क्या होगा, अब उसको स्पेशलाइज टिश्यूज ऑर्गन्स में बटना है। अब बटेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए जो उसके पास स्टोर होने चाहिए, स्टोर एनर्जी होनी चाहिए। इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स इट इज सीन दैट टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर और मे बी सिमिलर। तो जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उस केस में क्या होते हैं, जर्म सेल जो मेल और फीमेल के जर्म सेल होते हैं वो ज़्यादा अलग नहीं होते हैं, दोनों दिखने में सेम ही होते हैं। बट एज द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन जैसे जैसे बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता जाता है तो जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज, तो जर्म सेल भी स्पेशलाइज हो जाते हैं। वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन्स द फूड स्टोर वाइल द अदर इज स्मॉलर लाइकली टू बी मोटाइल। तो क्या कह रहा है, जैसे जैसे बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता जाता है तो जो मेल और फीमेल के जर्म सेल्स होते हैं वो भी स्पेशलाइज होते हैं, उनके भी स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि एक दोनों में से एक का जो जर्म सेल वो लार्ज रहेगा और उसके अंदर फूड मिलेगा, और जो दूसरा जर्म सेल वो स्मॉल रहेगा और उसके अंदर मोटाइल रहेगा, वो मूव कर सकता है। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमेट एंड द मेल गैमेट एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमेट। तो ये कह रहा है कि जो मेल गैमेट, जैसे आपको पता है मेल गैमेट स्पर्म ह्यूमंस के केस में मोटाइल होता है और उसके अंदर स्मॉल साइज का होता है, लेकिन यदि हम बात करें फीमेल गैमेट की तो फीमेल गैमेट के अंदर क्या होता है, वो क्या होता है, एक लार्ज साइज का होता है और उसके अंदर फूड स्टोर होता है। तो न्यूट्रिशन देने का काम जो है जायगोट को वो एग करता है, और जो फर्टिलाइजेशन के टाइम जो मोटिलिटी जो मूव करेगा वो स्पर्म करेगा। वी शैल सी इन द नेक्स्ट ऑफ फ्यू सेक्शंस हाउ द नीड टू क्रिएट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स गिव राइज टू डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो हमने ये आगे के पोर्शन में जानेंगे कि भाई जो दो अलग अलग तरह के जो गैमेट्स होते हैं, इनके साइज भी अलग है, शेप भी अलग है, इनका फंक्शन भी अलग है, तो इनके कारण जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी काफ़ी अलग अलग बनते हैं। इन सम केसेज डिफरेंस इन द बॉडी जो द मेल फीमेल ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, कुछ एक केसेज के अंदर तो मेल और फीमेल की जो बॉडी होती है उसके अंदर भी कि उस जो डिफरेंसेस होने का कारण भी यही है कि भी उसके अंदर जो गैमेट होते हैं वो अलग अलग हैं, उनका डिज़ाइन अलग है, उनका काम अलग है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन
फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पीछे के वीडियो में हमने जाना था कि आपके ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या उसका फ़ायदा है, तो उसमें हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स बनते हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जब गैमेट बनते हैं तो डीएनए कॉपी होता है, और जब डीएनए की एक और कॉपी बनती है तो उसमें इनएक्यूरेसी आ सकती है, वो एक्यूरेट नहीं होता। और एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में वो गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं उस दौरान भी आपके जो म्यूटेशंस हैं, वेरिएशंस हैं, वो एक्युमुलेट हो जाती हैं। तो जैसे जैसे आपकी पीढ़ियाँ बढ़ती जाती हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आपके गैमेट्स बनते जाते हैं, वैसे वैसे पीछे तक की जो आपकी वेरिएशंस हैं वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। और वैसे ही अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हमें दो पेरेंट्स होते हैं, तो मेल और फीमेल पेरेंट, तो उनका जब फ्यूज़न होता है तो दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो एक जो गैमेट जिसके अंदर अलग अलग वेरिएशंस हैं और जो दूसरा गैमेट उसके अंदर भी अलग अलग वेरिएशंस हैं, उनका कंबाइन करके आपका जायगोट बनता है। तो उस केस में वेरिएशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जितनी ज़्यादा वेरिएशन होती है उतना ही आपका जो एक स्पीसीज होती है उसको फिटनेस, उसकी सर्वाइवल फिटनेस को बढ़ाता है। तो आज हम जानेंगे कि ये जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स के केस में कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, तो हमें जानना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर की फ्लावर आते हैं, और फ्लावर के कारण ही आपका सीड और फ्रूट बनता है। तो मतलब जो हमें प्लांट से सीड और फ्रूट मिलते हैं वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही मिलते हैं। बहुत सारे आपके सीडलेस प्लांट होते हैं, और कई प्लांट्स होते हैं जिनका हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा है, तो उस केस में आपके फ्लावर या सीड नहीं लगते हैं। देखिए, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट, आर लोकेटेड इन द फ्लावर। तो मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल पार्ट रहेगा, वो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट रहेगा। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो हमने अलग अलग पार्ट्स जो हमने फ्लावर के पढ़े हुए हैं पीछे, जिसके अंदर आपके सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन है और पिस्टिल है। तो ये आपके साथ में डायग्राम देखिए, सेपल्स क्या होता है, जो फ्लावर के नीचे जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो आपके सेपल्स, और जो भी कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम बोल देते हैं पेटल्स। अब अगला है आपका स्टेमन, स्टेमन मतलब जो मेल पार्ट है फ्लावर का उसको कहते हैं स्टेमन। याद रखने का तरीका, मेन लिखा हुआ पीछे, मेल मतलब मेन मतलब मेल, तो स्टेमन। स्टेमन के अंदर आपके दो पार्ट है, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। एंथर क्या होता है, ये जो ऊपर का पार्ट है इसको एंथर कह दिया, और जो नीचे ट्यूब लाइक जो पार्ट है इसको हमने कह दिया फिलामेंट। तो जो नीचे ट्यूब सी जा रही इसको फिलामेंट कह दिया, और ऊपर वाले पार्ट को एंथर कह दिया। तो एंथर और फिलामेंट मिलकर के आपका स्टेमन बनाते हैं, जिसको हम मेल पार्ट कहते हैं, इसको एंड्रोशियम भी कहा जाता है। अब देखिए फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट को हम पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल के अंदर तीन पार्ट हैं, एक स्टिग्मा, एक स्टिग्मा के नीचे जो ट्यूब आ रही है इसको कह दिया स्टाइल, और स्टाइल के नीचे एक बल्ज पार्ट होता है नीचे, इसको हम कह दिया ओवरी। तो आपके पिस्टिल के अंदर तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और जो आपका स्टेमन है, स्टेमन के अंदर दो पार्ट हैं आपके, एंथर और फिलामेंट। तो ये सब आपके एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है। फ्लावर ही आपका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल और जो फीमेल जो पार्ट होते हैं वो इसी के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए, स्टेमन एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल। इसके बारे में जानते हैं हम, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके इसमें दो टाइप के आपको सेल बताए थे पिछले वीडियो में, कि भी एक होते हैं आपके जर्म सेल और एक होते हैं आपके सोमेटिक सेल, या प्लांट केस में इसको वेजिटेटिव सेल भी बोल देते हैं। तो जर्म सेल्स कौन से हैं, जर्म सेल्स वो हैं जो कि आगे जाकर के आपके गैमेट बनाते हैं। तो जो आपको कहा जा रहा है कि जो स्टेमन है और जो पिस्टिल है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के, विच कंटेन द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो कि मेल और फीमेल गैमेट को बनाएंगे। जो आपका स्टेमन होता है इसके अंदर आपका मेल जर्म सेल मिलेगा, जो पिस्टिल है वो उसके अंदर आपका फीमेल जर्म सेल मिलेगा। तो आपको पता है कि जो मेल पार्ट जो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, उसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन, और वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो हम कहेंगे पोलन मदर सेल, या हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आपका ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इसको हम कहेंगे एक जर्म सेल है। अब क्या होता है, जर्म सेल के अंदर मियोसिस होता है, और एक जर्म सेल से चार आपके पोलन ग्रेन बनते हैं, इसको हमने कह दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये आपके डिटेल में नहीं है, आप सिर्फ ये जानिए कि जो आपका मेल पार्ट है उसमें स्टेमन है, स्टेमन के अंदर एंथर और फिलामेंट है, एंथर के अंदर आपके पोलन मदर सेल है जिसके अंदर मियोसिस होता है, और वहाँ से आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं। आगे देखिए, इसी के साथ साथ जो आपका फीमेल पार्ट है, जो ओवरी है, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल, ओव्यूल होता है आपका, और उसके अंदर आपके होते हैं आपके मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल से आपका बनता है मेगास्पोर, या हम उसको कहते हैं एग।
तो इस केस में जो क्या है आपके जर्म सेल्स हैं आपके किसके अंदर, स्टेमन और पिस्टिल दोनों के अंदर जर्म सेल्स हैं, एक के अंदर मेल जर्म सेल एक के अंदर फीमेल जर्म सेल। व्हाट पॉसिबल कुड बी द पेटल्स एंड सेपल्स सर्व, ये क्या पूछ रहा है कि भाई जो पेटल है और सेपल है इसका क्या फंक्शन हो सकता है। तो भैया आपने पोलिनेशन के बारे में सुना होगा, जो मेल जो आपको पता है पोलिनेशन पढ़ा होगा आपने, जिसमें हम कहते हैं कि जो मेल गैमेट है यानी पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है वो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, यानी फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द स्टाइल। तो एंथर से पोलन ग्रेन उड़ करके स्टिग्मा के ऊपर जब गिरता है तो उसको हम पोलिनेशन कहते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो अलग अलग पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि अलग अलग इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, हवा है, पानी है, तो इनके द्वारा होता है। तो इस केस में इंसेक्ट जब होते हैं तो इंसेक्ट को लुभाने के लिए उनको एक कलरफुल स्ट्रक्चर दिखता है, उनको कुछ स्मेल आती है फूल से, तो ये सब क्या होते हैं पेटल सेपल का काम क्या है कि भाई ये जो आपके अलग अलग जो इसमें दिख रहे हैं कलर दिख रहे हैं इनसे इंसेक्ट को लुभाता है, जिसके कारण वो इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है और अब वो पोलन जो है इंसेक्ट के ऊपर चिपक के दूसरे प्लांट पे जा करके पोलिनेशन करवाता है। तो पेटल और सेपल्स का जो मेन जो फंक्शन है वो आपका पोलिनेशन के लिए होता है कि भाई जो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। द फ्लावर्स मे बी यूनिसेक्सुअल, देखिए द फ्लावर जो है उसको दो टाइप के हो सकते हैं, एक यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल नाम से ही पता रहा है, यूनि मतलब सिंगल और सेक्सुअल मतलब सेक्स, मतलब एक फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स प्रेजेंट है, या तो मेल सेक्स रहेगा या फीमेल सेक्स। तो इसका एग्जांपल आपके पपाया और वाटरमेलन, पपाया और वाटरमेलन आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर दोज फ्लावर विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ फ्लावर, आइदर दे आर मेल टाइप फ्लावर और दे आर फीमेल टाइप फ्लावर। वेन द फ्लावर कंटेन्स बोथ द सेक्सेज, यानी कि दे कंटेन स्टेमन और पिस्टिल दोनों ही को ही जब वो कर रहा है तो उसको हम कहते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर, दोनों सेक्स एक ही प्रेजेंट प्लांट में फ्लावर में है। इसका एग्जांपल आपका हिबिस्कस और मस्टर्ड। तो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, डिफरेंस आ सकता है, पूछा जा सकता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, इसका एग्जांपल बताइए। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर पपाया वाटरमेलन कौन से होते हैं भाई, ऐसे फ्लावर जिनके पास स्टेमन और पिस्टिल दोनों में से एक ही प्रेजेंट रहेगा, यानी या तो मेल पार्ट प्रेजेंट रहेगा फीमेल पार्ट। और ऐसा फ्लावर जिसके अंदर बोथ द सेक्सेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आर प्रेजेंट दीज आर कॉल्ड बाईसेक्सुअल फ्लावर, एग्जांपल इज हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। देखिए स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स दैट आर येलोइश इन कलर। तो जो स्टेमन होता है वो मेल पार्ट होता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं एंथर के अंदर, और जो पोलन ग्रेन्स का जो कलर होता है वो नॉर्मली येलो कलर का होता है। यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर दैट ओपन स्टिक टू अवर हैंड्स इफ यू टच द स्टेमन ऑफ द फ्लावर। तो हम जब कई बार फूलों को हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ के ऊपर थोड़ा पीले पीले रंग का पाउडर सा लग जाता है जो कि पोलन ग्रेन्स होते हैं। पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो पिस्टिल जो होता है वो मेनली एक सेंटर के अंदर ही प्रेजेंट होता है और वो फीमेल पार्ट होता है। इसके अंदर इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट, तो इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। द स्वोलन बॉटम पार्ट इज ओवरी, जो नीचे का जो थोड़ा सा स्वोलन पार्ट है उसको हम कह रहे हैं ओवरी। द मिडल इलोंगेटेड पार्ट इज स्टाइल, जो बीच का पार्ट है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको हमने कह दिया स्टाइल। एंड द टर्मिनल पार्ट विच मे स्टिकी एज इज द स्टिग्मा, जो टर्मिनल पार्ट होता है स्टिग्मा, तो जो टर्मिनल पार्ट है ये स्टिग्मा है आपका। स्टिग्मा के ऊपर स्टिग्मा का अगर आपसे पूछा जाए फंक्शन क्या होता है तो भी स्टिग्मा का फंक्शन होता है इट इज इट रिसीव पोलन ग्रेन या इट प्रोवाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन आता है तो उसको एक लैंड करने के लिए प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा कुछ फैदरी सा होता है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन चिपक जाता है। अब सही टाइप का पोलन रहेगा तो वो स्टिग्मा के ऊपर चिपक के नीचे के पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलती है। आगे बढ़ेंगे द ओवरी, अब क्या है ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, द ओवरी कंटेन ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। तो क्या होता है ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर आपका एक एग सेल होता है। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाई पोलन ग्रेन फ्यूज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। तो जो आपका पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं वो क्या करेंगे, अब जब आपका पोलिनेशन होने के बाद वो एग सेल से फ्यूज होते हैं और इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फ्यूजन के बाद बनता क्या है, द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन गिव जस्ट द जायगोट। तो आपका जो मेल गैमेट आया और यहाँ पर एक एग सेल है उसके साथ फ्यूज किया तो उसके बाद आपका बन गया जायगोट। दस द पोलन नीड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा। तो अब ये शुरू से लगेगा कि भाई अब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बन चुका है और स्टिग्मा के ऊपर उसको ट्रांसफर करना है। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, ये एक ही फ्लावर के अंदर हो सकता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ऑन द अदर हैंड इफ द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर इट इज़ नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। तो दूसरी तरफ क्या होगा, अगर उस फ्लावर के ऊपर ही उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन यदि उस फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर चले जाते हैं
और वहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ये डेफिनेशन आपके, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर इज अचीव्ड बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। तो ये आपके क्या है, पोलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। इसके अंदर विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है और एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं मेनली इसके अंदर। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन सूटेबल स्टिग्मा, तो जैसे ही पोलन ने स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया, इट रीचेज टू द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं आप पोलन ग्रेन आ चुके हैं, पोलन ग्रेन आने के बाद ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन से एक ट्यूब से निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब, और वो ट्यूब आपकी नीचे की साइड से ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहाँ पर एंटर होती है। अब पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, आपके पोलन ग्रेन के अंदर जो गैमेट्स हैं, जो फीमेल गैमेट है वो है आपके, जिसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल्स। आगे पढ़ेंगे इस बारे में। तो देखिए अब क्या होगा, फॉर दिस द ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। तो क्या होता है, जो पोलन ट्यूब जो होते हैं ना, स्टिग्मा से ग्रो होनी शुरू होती है और स्टाइल से होते हुए और ओवरी तक पहुंच जाते हैं। अब क्या होगा, अब ये यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर इसके अंदर अब दो मेल गैमेट हैं। तो जो पहला मेल गैमेट है वो आपका जो ओवरी के अंदर एक एग सेल प्रेजेंट है उसके साथ फ्यूज करता है और जायगोट बना लेता है, एक तो बन गया जायगोट। और इसके अंदर जो बीच में ये जो दो रखे हुए हैं ओव्यूल के अंदर, वो क्या होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, और जो दूसरा मेल गैमेट इन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, तो तीन जो है न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर। अब जो ओव्यूल है, ओव्यूल क्या करता है, अपने चारों ओर कोट बना लेता है, ओव्यूल डेवलप्स इट ऑफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। तो ओव्यूल से क्या बनता है, आपका सीड बनता है। तो ओव्यूल के चारों ओर एक टफ सी कवरिंग आ जाती है जिसको हम कहते हैं सीड। जो ओवरी होती है, द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म ए फ्रूट। तो ओव्यूल से आपका बना सीड और जो ओवरी है बाहर उससे बनेगा आपका फ्रूट। तो सीड बीच में रहेगा, फ्रूट उसके चारों ओर फैल जाएगा। मीन वाइल द पेटल्स एप्पल एंड स्टेम एंड स्टाइल एंड स्टिग्मा मे बी सील्ड एंड फॉल ऑफ। तो इसके साथ साथ क्या होता है, जो पेटल्स एप्पल्स हैं और जो स्टिग्मा स्टाइल वगैरह हैं वो सब नीचे गिर जाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट एंड ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट। तो ये क्या कह रहा है कि भी सीड फॉर्मेशन के बारे में जानने की, जो सीड का जब बनता है तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट ऑफ द और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज़ जर्मिनेशन। तो आपको पता है जब सीड बनता है तो सीड को जब प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा तो उसे जर्मिनेशन होगी। तो इसमें यह आपका डायग्राम दिखाया गया है बहुत अच्छा, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। देखिए जो आपका ये सीड है, मान लीजिए मेरे को लग रहा है चने का सीड है जो आपका ग्राम होता है, तो जब इसको ऐसे बाइफर्केट कर दिया हमने तो दो मिलेंगे। तो ये पहला कोटिलेडन है जिसके अंदर फूड स्टोर हो, जो बीच में है जहाँ से जर्मिनेशन होगा। इसको अब सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, जिस साइड से आपका सूट निकलेगा, मतलब जिस साइड से हरा हरा पार्ट निकलना शुरू होगा सीड से, उसको हम कहते हैं प्लूम्यूल, प्लूम्यूल। और जिस साइड से आपके रूट निकलनी स्टार्ट होगी उसको हम कहते हैं रेडिकल। तो जो प्लूम्यूल जो होता है, अगर यहाँ से बात करें, जो प्लूम्यूल होता है वो क्या होता है, फ्यूचर सूट, और जो रेडिकल जो क्या होता है वो तो कहते हैं फ्यूचर रूट। तो इसको याद रखना है कि जर्मिनेशन कैसे हो रहा है, सीड का सीड कैसे बन रहा है। इसमें एक आपका क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है प्लांट के अंदर, तो उसको जानते हैं थोड़ा, इसमें बताया नहीं हुआ। तो जब पोलन ट्यूब से जब ओवरी के पास ये जो आपका पोलन ट्यूब पहुँचती है, तो पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स हैं। अब क्या करेगा, जो पहला मेल गैमेट है वो क्या है, एग के साथ इतना फ्यूजन कर लेगा और जायगोट बना देगा, ठीक है, और जायगोट आगे जा करके एम्ब्रियो बनाएगा। लेकिन जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो इस केस में क्या है, ये तो एक फ्यूजन तो ये हो गया और दूसरा फ्यूजन ये हो गया, तो मतलब प्लांट के केस में दो बार जो मेल गैमेट है वो फ्यूज कर रहे हैं, दो मेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो प्लांट के केस में दो फ्यूजन हुए क्योंकि एक मेल गैमेट एक एग के साथ और उसने बनाया जायगोट, जो दूसरा मेल गैमेट है वो जो बीच में जो दो पोलर न्यूक्लियाई इसके साथ करेगा और वो बनाएगा आपका एंडोस्पर्म। नाम याद रखना है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म करता क्या है, तो भी एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है कि जब वो जो एम्ब्रियो जब जायगोट से और एम्ब्रियो बनेगा तो उस दौरान जो न्यूट्रिशन देगा वो न्यूट्रिशन देने का काम करता है आपका एंडोस्पर्म। इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन पहले वाले को, और जब एक मेल गैमेट और एक एग सेल जब फ्यूज होता है तो उसको हमने कह दिया था सिंगगैमी। तो ये आपका प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन, और उसमें हम आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसमें हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके अंदर क्या क्या, कैसे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है, क्या क्या चेंजेज आते हैं, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए लाइन टू लाइन स्टडी करते हैं।
सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वैरायटी ऑफ मोड्स दैट डिफरेंट स्पीसीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। अब तक हमने क्या किया है कि भाई अलग अलग स्पीसीज कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो कर रही हैं, जैसे कि सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल के अंदर भी बहुत सारे हमने टाइप्स पढ़ी हैं, तो अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर अलग अलग कौन प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं वो हमने अभी तक स्टडी किया। लेट अस नाउ लुक एट द स्पीसीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, नेमली ह्यूमंस। तो अब हम बात करेंगे भाई सबसे इंटरेस्टिंग जो स्पीसीज है ह्यूमन बींग्स की, उस केस में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमंस यूज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क। तो आपको पता है ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये सब काम कैसे करता है ये समझेंगे अब। लेट अस बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहाँ पर कोई भी रिलेटेड पॉइंट नहीं है रिप्रोडक्शन से, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ अस नो दैट आवर बॉडी चेंज एज वी बिकम ओल्डर। तो हमें पता है कि जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, जैसे एज होती जाती है, तो हमारी बॉडी चेंज होती जाती है। यू हैव लर्नड चेंजेज दैट टेक प्लेस इन योर बॉडी अर्लियर इन क्लास एट्थ। तो हमने क्लास एट्थ में आपने पढ़ा होगा कि भाई हमारी बॉडी के अंदर कैसे चेंज आते हैं, आपका चैप्टर था 8th क्लास में एडोलोसेंस करके, तो उसमें आपने स्टडी किया होगा। वी नोटिस दैट आवर हाइट हैज़ इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्ली एज टिल नाउ। तो आपसे ये कह रहा है कि आपने अभी तक नोटिस किया होगा कि जो हाइट है वो अर्ली एज से लेकर और अब तक बढ़ती जा रही है। वी एक्वायर टीथ, तो हमें टीथ भी आते हैं। वी इवन लूज द ओल्ड सो कॉल्ड मिल्क टीथ, तो हमें टीथ आते हैं जो मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, तो वो आते हैं, उसके बाद हम वो टूटते हैं और उसके बाद एक्वायर न्यू वन, और उसके बाद नए टीथ आते हैं परमानेंट, जो कि आखिर तक रहते हैं। All of these are changes that can be grouped under the general process of growth in which the body become large. तो ये जो सभी changes हैं कि भाई milk teeth का आना, आपकी height के इंक्रीज होना, तो इसको हम एक जर्नल हम बोल सकते हैं कि बॉडी आपकी ग्रो हो रही है, बॉडी आपकी लार्ज हो रही है। बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स ए होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली एज बॉडी एनलार्जमेंट। लेकिन जब टीनेज स्टार्ट होती हैं, यानी कि 13-14 ईयर्स जब एज स्टार्ट होती है, तो उस टाइम इन सब के अलावा भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंज होते हैं, जिनको सिंपली हम बॉडी एनलार्जमेंट कह करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इंस्टेड द अपियरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेज प्रोपोर्शन चेंज न्यू फीचर अपियर एंड सो डू न्यू सेंसेशंस। तो क्या होता है इसके अलावा, क्या होता क्या है एक्चुअल में, तो भाई बॉडी की जो अपियरेंस है वो चेंज होती है, बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो चेंज होता है कि भाई कितने प्रोपोर्शन में हाइट मतलब हैंड्स मसल्स की ग्रोथ होती है वो, कि भाई कहीं मसल ज़्यादा ग्रो होती हैं, कहीं आपकी वॉइस डीप हो जाती है, वॉइस चेंज हो जाती है, तो ये सब क्या है। और उसके बाद न्यू फीचर भी अपीयर होते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर्स होते हैं एंड ऑल्सो ड्यू न्यू सेंसेशंस। तो जो आपकी फीलिंग्स है, जो सेंसेशंस हैं, वो भी चेंज होती हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए कुछ तो चेंज होना कॉमन होते हैं। वी बिगिन टू नोटिस थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया बिटवीन द थाइस। तो ये क्या कह रहा है कि नए जो ये जो कुछ जो चेंजेस होते हैं वो कॉमन होते हैं, जैसे कि आप ये क्या कह रहा है, थिक हेयर्स की ग्रोथ होती है आपके आर्मपिट्स के अंदर, और जो आपका जेनिटल एरिया है, जो आपका एब्डोमिनल एरिया है, उससे नीचे जो जेनिटल एरिया है बिटवीन द थाइस, वहाँ पर आपकी थिक हेयर्स की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर, जो कि डार्क भी होते जाते हैं कलर के अंदर। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपियर ऑन लेग्स एंड आर्म्स, तो लेग्स और आर्म्स के ऊपर आपके थिन हेयर भी दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, एज वेल एज ऑन द टॉप ऑफ द फेस, फेस के ऊपर भी। द स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स, तो स्किन जो है वो ऑयली स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हार्मोनल चेंज हो रहे हैं तो वो ऑयल सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, और इस ऑयल सिक्रीशन के कारण आपकी स्किन कंटामिनेट हो जाती है और आपको पिंपल्स हो सकते हैं। वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ अवर बॉडीज एंड दोज ऑफ अदर्स इन न्यू वेज। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो बॉडीज़ के लिए कॉन्शियस होते हैं, और ये आपके दूसरे के लिए भी आप कॉन्शियस होते हैं, मतलब जो दूसरी बॉडीज़ हैं ऑपोजिट सेक्स की, उसके लिए भी आप कॉन्शियस दिखाते हैं अपने आप को। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये सब जो आपको बताए चेंज वो क्या थे, कॉमन थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स के दोनों के अंदर चेंज हो रहे थे, लेकिन अब क्या है, कुछ एक जो चेंजेस हैं वो बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर डिफरेंट हैं, कुछ चेंजेस सिर्फ बॉयज़ में हो रहे हैं, कुछ चेंजेस सिर्फ गर्ल्स में हो रहे हैं। देखिए, इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज साइज बिगिंस टू इंक्रीज विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ निप्पल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट। तो क्या होता है, गर्ल्स के केस में जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज होता है, जो निप्पल्स है उनकी स्किन डार्क होना स्टार्ट होती है। ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम, तो उनके जो गर्ल्स के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है, जो आप जानते हैं एक साइकिल होती है 28 डेज की, वो होना स्टार्ट हो जाती है। बॉयज़ बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड देयर वॉइस बिकम टू क्रैक। तो बॉयज़ के केस में क्या होता है कि भाई फेशियल हेयर स्टार्ट हो जाते हैं, और जो वॉइस होती है वो क्रैक फटनी स्टार्ट हो जाती है, डीप वॉइस हो जाती है। फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगिंस टू बिकम एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट एंड आइदर इन डे ड्रीम्स और एट नाइट। तो जो आपका सेक्सुअल ऑर्गन है पेनिस, वो भी आपका
अनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है इस केस में, सिर्फ बॉयज़ के केस में। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, ये जो चेंजेस हैं वो सभी धीरे धीरे हो रही है ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ एंड ईयर्स। तो मतलब इसमें क्या लग सकता है, कुछ महीने या साल लग सकते हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। दे डू नॉट हैपन ऑल द सेम टाइम इन 1%, नॉर डू दे हैपन एट द एग्जैक्ट एज। तो मतलब ऐसा कोई फिक्स एज नहीं है कि भाई इस एज के अंदर ये सब होगा, ये अलग अलग पर्सन के अंदर अलग अलग वेरी कर सकता है, एक दो साल का डिफरेंस आता है और वो सब आपका डाइट और बॉडी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली वाइल इन अदर्स दे कैन हैपन स्लोली। कुछ एक जो पर्सन के अंदर बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ एक के अंदर लास्ट मतलब टाइम लग जाता है, वो सब आपके डाइट के ऊपर और बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी डिज़ाइन कैसा है, बॉडी वेट कैसा है। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कम्प्लीट क्विकली आइदर, और ऐसा भी नहीं है कि चेंज एक के बाद एक होते हैं, वो सब साथ होते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि चेंज तब के तब कम्प्लीट हो जाएगा, वो सब धीरे धीरे मिल करके हो रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अ थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज अपीयर्स एज ए फ्यू स्कैटर्ड हेयर फर्स्ट एंड ओनली स्लोली डज द ग्रोथ बिगिन टू बिकम यूनिफॉर्म। तो क्या होता है, जब फेशियल हेयर आने स्टार्ट होते हैं तो शुरू में फेस के ऊपर एक दो जगह से आपके कुछ हेयर दिखते हैं, और उसके बाद वो आपके यूनिफॉर्म होना मतलब कि सभी जगह धीरे धीरे आते हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है इसमें टाइम लगता है। इवन सो ऑल ऑफ दीज चेंजेज शो डिफरेंसेज बिटवीन पीपल, और अलग अलग पीपल के अंदर अलग अलग डिफरेंसेज भी दिखते हैं, किसी के अंदर कहीं से स्टार्ट होती है बियर्ड आना, किसी के अंदर कहीं से स्टार्ट होती है, किसी के शुरू में ही ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, किसी के नहीं हो पाती। तो ये सब क्या है, अलग अलग हैं, कोई इसमें कोई रूल नहीं है कि भाई पहले स्टार्ट होगा, पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, इतना टाइम लगेगा, ये कोई रूल नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इवन सो ऑल दीज चेंजेज शो डिफरेंस बिटवीन पीपल, तो ये जो जितने भी चेंजेज वो अलग अलग पीपल के अंदर अलग अलग डिफरेंसेज शो करते हैं। जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोजेज और फिंगर्स, जैसे कि हमारे नाक और जो उंगली है वो अलग अलग शेप्स की हैं, ऐसे ही ये जो चेंजेज होंगे वो भी अलग अलग होंगे, अलग अलग समय पर होंगे। सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ए हेयर ग्रोथ, तो जो हेयर की ग्रोथ है उसके भी अलग अलग पैटर्न्स मिलते हैं, और साइज की भी, साइज क्या रहेगा, एंड शेप ऑफ ब्रेस्ट और पेनिस। तो ये जो आप सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो हम कहते हैं इनको एसेसरी ऑर्गन्स, सेक्सुअल एसेसरी ऑर्गन्स, तो इसके अंदर ब्रेस्ट है और पेनिस है, इन सब का साइज भी मैटर करता है, शेप, ये सब क्या है, फिक्स नहीं है, अलग अलग वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। ऑल ऑफ दीज चेंजेज आर एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी, तो ये जितने भी अभी तक हमने चेंजेज की बात की है वो क्या है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी हो रही है, एक सर्टेन एज पर आकर के आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट होती है, और ये कंप्लीशन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनेबल हो सकता है, और उसके बाद आप ऑफस्प्रिंग हो सकते हैं, यदि ये इनकी मैच्योरिटी नहीं होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते ह्यूमन बींग्स। वाई डज द बॉडी शो ए सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज, तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई इसी एज के ऊपर 13-14 के ऊपर ही आपके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट क्यों होते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज सेल टाइप इन मल्टी सेलुलर बॉडीज टू कैरी आउट स्पेशलाइज फंक्शन, तो हमने पीछे बात की थी कि भाई जो आपका एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, जिसको हमने कहा था डिवीजन ऑफ लेबर, तो एक स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, तो हमने क्या कहा था कि भी अलग अलग सेल्स मिलकर के अलग अलग काम करेंगे, तो एक ऐसा ही काम है कि भाई आपके अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना है उससे पहले आपको गैमिट्स चाहिए, तो गैमिट्स की फॉर्मेशन एक अलग तरह के सेल्स बनाते हैं, जिसको हमने कहा था जर्म सेल्स। देखिए, द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज फंक्शन, तो ये एक दूसरा स्पेशलाइज फंक्शन है, यानी इसी के रेस्पेक्ट में ही बात हो रही है कि भाई हमारी बॉडी के सेल्स जो है मिल करके अलग अलग काम करते हैं, ऐसे ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम है, जिसके अंदर की गैमेट बनना है, गैमेट को मैच्योर करना है, वो सब काम आपके जर्म सेल्स करेंगे। एंड ऑल्सो वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप स्पेशल सेल्स एंड टिश्यू टाइप्स टू क्रिएट देम, तो प्लांट्स के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी अलग अलग ये जो फंक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसका अलग अलग होता है, प्लांट्स के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं आपके। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डेवलप स्पेसिफिक टिश्यू फॉर दिस पर्पज, और ह्यूमन बींग्स के केस में भी ये बात सच है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो अलग टिश्यू या अलग ऑर्गन होता है, जिसको सिर्फ फंक्शन होता है कि भाई वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करे, उसके अंदर जो भी गैमेट्स होंगे, फर्टिलाइजेशन होंगे, उसको वो सपोर्ट करे। हाउएवर व्हाइल द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल इज ग्रोइंग टू इट्स अडल्ट साइज, तो हम कह सकते हैं कि जो टीनेज से अडल्ट साइज में आपकी बॉडी इंक्रीज हो रही है, उसी समय द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ, तो जो टीनेज होती है उस टाइम जो आपकी बॉडी का मेन जो फोकस होता है कि भाई वो आपको सेक्सुअली मैच्योर करना, तो वो उसी की तरफ वो बढ़ता रहता है, जो भी आपके रिसोर्स होते हैं, मतलब जो भी आप डाइट हो गया, कुछ भी हो गया आप इनटेक करते हैं, उसका जो भी रिसोर्स आपने लिए, उन सब का एक ही मोटो होता है कि लास्ट में आपको सेक्सुअली मैच्योर करना है, आपको ये जो कम्प्लीटली अडल्ट ग्रोथ होनी है। वाइल दैट इज हैपनिंग द मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू इज नॉट लाइकली टू बी ए मेजर प्रायोरिटी,
तो ये सब हो रहा है। इस दौरान जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है इसकी भी जो मैच्योरिटी है वो भी मेजर प्रायोरिटी नहीं है कि भाई इसको पहले मैच्योर करना है। 10, द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिंस टू मैच्योर। तो इस टाइम क्या होगा, जैसे जैसे आप देखते हैं कि आपकी हाइट अभी थोड़ा 18-20 ईयर्स के बाद थोड़ा ग्रोथ होना बंद हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, जो जनरल बॉडी ग्रोथ है जो आपकी नॉर्मल बॉडी ग्रोथ हो रही थी वो तो रुक जाती है, लेकिन इसके अपोजिट क्या है, आपकी जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं उसको वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलोसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो इसको हम कहते हैं प्यूबर्टी, जिसके अंदर आपके बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी डिजाइंस हो रहे हैं, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर हो रहा है, आपकी जनरल जो बॉडी ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो डाउन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं एडोलोसेंस पीरियड। और ये जो पीरियड होता है इसको हम कहते हैं प्यूबर्टी पीरियड। एडोलोसेंस के दौरान ये जो पीरियड होता है जिसके अंदर आपका रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर हो रहा है इसको हम कहते हैं प्यूबर्टी पीरियड। देखिए आगे, सो हाउ डू ऑल चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो अब हम बात करेंगे भी जो भी ये चेंज हुए हैं इसका रिप्रोडक्शन में क्या रोल है। वी मस्ट रिमेंबर दैट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स दैट जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स हैव टू जॉइन टुगेदर। तो हमने जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाना था कि भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका फर्टिलाइजेशन होता है, दो इंडिविजुअल से अलग अलग सेल्स आते हैं जिसको हम गैमेट्स कहते हैं, तो मेल और फीमेल गैमेट हम कहते हैं कि जो आते हैं वो फ्यूज करते हैं, फ्यूज करते हैं मतलब दोनों सेल्स मिलकर के एक सेल बनता है जिसको हम जायगोट कहते हैं, और ये सब आपके होता है दोनों इंडिविजुअल्स के सेल्स ज्वाइन होते हैं जर्म सेल्स। दिस कैन हैपन बाय एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एज हैपन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने देखा था कि पोलन ग्रेन रिलीज होता है और वो स्टिग्मा के ऊपर जाता है, तो ऐसे ही ह्यूमन बींग्स के केस में भी जो आपका एक जो जर्म सेल है वो रिलीज होगा और वो दूसरे जर्म सेल के पास जाएगा और वहाँ जाकर के फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स ज्वाइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स फॉर फ्यूजन एज हैपन्स इन मैनी एनिमल्स। तो जैसे कि हमने क्या फ्लावर्स के अंदर पढ़ा था कि भाई उसके लिए कोई एजेंट चाहिए जो जर्म सेल्स को ट्रांसफर करेगा, लेकिन कई एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि जो उनका बॉडी डिजाइन ऐसे होता है कि उनको उनकी जो बॉडीज होती हैं उनको ज्वाइन कर करके वो अपना इंटरनल ट्रांसफर ही करते हैं जर्म सेल्स का, कि भाई जो जर्म सेल्स है बॉडीज के थ्रू ही आपके ट्रांसफर होते हैं, उस केस में कोई भी आपको एजेंट नहीं चाहिए। आपको बीच में पोलिनेशन के लिए जैसे हमने कोई इंसेक्ट विंड वगैरह की रिक्वायरमेंट होती थी, इस केस में आपके गैमेट ट्रांसफर के लिए कोई भी आपको फैक्टर या कोई भी आपको एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन एनिमल्स टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मेटिंग दियर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफेबल बाई अदर इंडिविजुअल। तो ये जो हमने पढ़ा कि भी सेक्सुअल मैच्योरिटी क्यों जरूरी है, तो इस केस में इस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए भी सेक्सुअल मैच्योरिटी जरूरी है जिसको हम कहते हैं मेटिंग। तो मेटिंग को सपोर्ट करने के लिए सेक्सुअल मैच्योरिटी जरूरी है ताकि वो जो आपका गैमेट ट्रांसफर है वो हो सके। मैनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी सच एज न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न आर सिग्नल दैट सेक्सुअल मैच्योरेशन इज टेकिंग प्लेस। तो ये है कि आपकी भाई जो सेक्सुअल मैच्योरिटी को कैसे देखेंगे, भाई जो ग्रोथ होती है, हेयर ग्रोथ होती है पैटर्न्स की अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर, उसको हम देख करके बोल सकते हैं कि भाई ये सेक्सुअल मैच्योरिटी आपकी चल रही है। ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन फॉर सेक्सुअल एक्ट। अब क्या होता है कि दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि भाई एक्चुअल गैमेट ट्रांसफर मतलब एक्चुअल जो जर्म सेल के जो ट्रांसफर होने हैं, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहते हैं कि बाई पेरेंटल होता है, तो इसके अंदर मेल पेरेंट मिलेगा और फीमेल पेरेंट मिलेगा, दो मिलेंगे। तो मेल पेरेंट से आपका मेल जर्म सेल या हम कहेंगे मेल गैमिट आता है, और जो फीमेल पेरेंट से फीमेल जर्म सेल से आपका फीमेल गैमिट आता है। तो ये दोनों गैमिट्स हैं इसको अब हमें ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के लिए आपको इसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए जो आपके इसका ट्रांसफर में हेल्प करेंगे, सच एज पेनिस व्हेन इट इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट। जैसे कि आपका पेनिस है जिसकी की कैपेसिटी होती है कि वो इरेक्ट हो सकता है। इन मैमल्स सच एज ह्यूमंस द बेबी इज कैरिड इन द मदर्स बॉडी। आपको पता है मैमल्स के केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में जो बेबी जो बच्चा बनता है वो मदर की बॉडी के अंदर बनता है आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, कुछ लंबे समय के बाद, एक्चुअल ए पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, एंड विल बी ब्रेस्ट फेड लेटर। और उसकी क्या होती है, जो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, अगले कुछ समय के लिए ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है, जो बेबी होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मैच्योर टू अकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज़। तो हमने जो पहले पढ़ा कि भाई जो ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट होती है तो उसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है कि जो बेबी को फीड करना है तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उसकी मैच्योरिटी जरूरी है। लेट अस नाउ लुक एट द सिस्टम्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम एक एक करके इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम स्टडी करेंगे और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लास 10th का, जो कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के अंदर एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि फिगर 8.10 है, कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड अदर
पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए तो हमने इससे पीछे के वीडियो में हमने जाना था कि भी जर्म सेल्स होते हैं जो कि गैमिट्स को बनाते हैं और अदर जो सेल्स होते हैं बॉडी को सोमेटिक सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स का कोई रोल नहीं होता है। तो जर्म सेल्स जो होते हैं जो कि गैमिट बनाए गए, यदि हम मेल की बात करें ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल की बात करें तो उस केस में आपका स्पर्म बनता है। तो मतलब कोई ना कोई जर्म सेल है जो कि स्पर्म को बनाएगा। तो सबसे पहला जो आपका फंक्शन रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो क्या है, प्रोड्यूस द जर्म सेल, जो जर्म सेल जो बनाएगा उसको प्रोड्यूस करना, उसके साथ साथ वो जो प्रोड्यूस किया है उसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे कि हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपकी फर्टिलाइजेशन होती है, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक उसको पहुँचाना, तो मेल जर्म सेल का प्रोडक्शन करना यानी स्पर्म को प्रोड्यूस करना और उस स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर पहुंचाना ताकि वहां पर आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन हो सके। ये आपके मेन फंक्शन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। देखिए सबसे पहले एक बार डायग्राम को समझ लेते हैं, बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस। टेस्टिस का नंबर होता है आपका 2, तो हम कहेंगे पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट। उसके साथ जो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है तो हम कहेंगे भी पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट रहेगा। इसकी शेप ओवल होती है, ओवल शेप का होता है और नीचे पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम का फंक्शन क्या है, तो भाई अगर हम चाहते, अगर नेचर चाहता तो भाई जो टेस्टिस है वो आपकी बॉडी के अंदर ही भी डेवलप हो सकता था, जैसे कि आपके अदर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जैसे कि लीवर किडनी हार्ट आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इसको बाहर क्यों छोड़ा गया है, तो इसके अंदर एक रीजन है। टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं उस स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए आपका जो बॉडी टेम्परेचर, आपको पता है बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इस स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए उस वो टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए, मतलब आपका 34.5 या 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा यदि तभी आपकी स्पर्म बन पाएंगे। तो स्क्रोटम क्या करता है, स्क्रोटम इस टेम्परेचर को कम रखने में मदद करता है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर बिलो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम रखता है स्क्रोटम ताकि वहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। देखिए उसके बाद है, अब टेस्टिस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। अगर आपके लिखा गया है तो इसको पढ़ेंगे, अगर नहीं लिखा गया है तो वर्ड को याद रखना है। टेस्टिस के अंदर आपके सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, उसके अंदर आपका स्पर्म बनता है। इसके साथ साथ आपके एक और सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। तो जो लीडिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपका मेल हार्मोन जो होता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन, तो जो एंड्रोजन को बनाते हैं। तो स्पर्म कौन बना रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर एक सेल्स है जिसको हम कहते हैं सेल्स, अगर मैं आपको नाम बताऊं तो उसको हम कहते हैं मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल ही आपको पता है स्पर्म बनाता है, तो मेल जर्म सेल या उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया तो स्पर्म को बनाएगा और जो हार्मोन कौन सेक्रेट करेगा तो लीडिंग सेल। ठीक है, इसके बाद जो स्पर्म बन चुका है उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ट्यूब्स हैं, इसको अलग अलग नाम दिया गया है, अगर यहाँ पर है तो हम उसको देखेंगे, अगर नहीं है तो आप सिंपल समझिए कि वीजियो टेस्टिस से बाहर एक ट्यूब निकलती है उसको कहते हैं वास डिफरेंस, जैसे कि आपको दिखाया गया है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ये ऊपर जा करके आपकी जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पर एक लूप लेती है और इसके साइड से निकलती है। इसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर के पास एक ग्लैंड होती है, 2 ग्लैंड्स होती है एक्चुअल में, एक सेमिनल वेसाइकल जिसका नंबर 2 होता है, साथ में एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जिसका नंबर 1 होता है, और साथ में एक और ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं कॉपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका नंबर भी 2 ही होता है। तो ये ग्लैंड भी अपना सिक्रेशन डालती हैं और वो क्या करता है, आपके एक ट्यूब आगे निकलती हुई आपको है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के अंदर यूरिन भी पास होता है और जो स्पर्म जिसके अंदर मिक्स होकर आते हैं जिसे सीमन बोलते हैं, और सीमन भी पास होता है तो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर होते हुए और वो इजेकुलेट हो जाता है। ये जो आपका बाहर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसका जिसको नाम दिया गया है पेनिस। तो जो बाहर का स्ट्रक्चर इसको हम पेनिस कह रहे हैं, और ये आपका हेल्प करता है इनसेमिनेशन के अंदर, मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। देखिए आपको ये थोड़ा बहुत पता लग चुका है डायग्राम के बारे में, अब देखिए पढ़ते हैं थोड़ा। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर होता है, आपको बता दिया कहाँ होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर एक सेल्स होते हैं मेल जर्म सेल, तो वहाँ होता है। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स लोअर बॉडी टेम्परेचर एंड द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये हम बात कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ टेस्टिस इन सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, तो भाई हार्मोन भी सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ कौन करता है रिलीज, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाहर, कुछ सेल्स होते हैं लीडिंग सेल्स बोलते हैं वो सिक्रेट करते हैं। इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो आपको पता है मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन का करता है, तो टेस्टोस्टेरोन करता है कि जो भी आपके बॉय के अंदर जो भी आपके मेल के अंदर चेंजेज आते हैं एडोलोसेंस एज के अंदर वो सब के लिए रेस्पॉन्सिबल आपका मेल हार्मोन कौन सिक्रेट कर रहा है, टेस्टिस के थ्रू ही सिक्रेट हो रहा है। द स्पर्म प्रोड्यूस आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, तो ये क्या होता है जो स्पर्म जो बनी है उसको वास डिफरेंस के थ्रू होते हुए और
जो यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकलती है वो उससे मिक्स हो जाता है, उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा दस फॉर्म से कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, इंपॉर्टेंट लाइन, यूरेथ्रा स्पर्म और यूरिन के लिए कॉमन पाथवे है, कॉमन रास्ता है। अलोंग द पाथ ऑफ वेस्ट डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक, इसके साथ साथ ग्लैंड्स भी हैं जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, तो ये ग्लैंड भी क्या करती हैं अपना सिक्रीशन ऐड करते हैं स्पर्म्स के अंदर, और जो फ्लूड बन जाता है जिसको हम कहेंगे सीमन, उसका ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाता है, और वो जो ये ग्लैंड्स है इसके अंदर न्यूट्रिशन भी होता है, तो जो सीमन के अंदर स्पर्म है उस स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम भी ये करता है। द स्पर्म्स आर टीनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटीरियल एंड लॉन्ग टेल दैट हैज टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। तो आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो क्या है, बहुत ही एक छोटा सिंगल सेल होता है जिसके अंदर एक लॉन्ग टेल होती है लास्ट में, कुछ ऐसा सा कुछ डायग्राम सा होता है उसका। तो ये जो लॉन्ग टेल होती है ये हेड है, ये आपका मिडिल रीजन और लास्ट में टेल निकलती है। ये मान लीजिए हेड है, ये हेड है, ये इसका मिडिल रीजन है और लास्ट में इसकी टेल रहती है। तो ये इस टाइप का एक सिंगल सेल्ड होता है स्पर्म। आप डायग्राम आपको दिखाएंगे एक बार, नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे इस डायग्राम के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्पर्म का डायग्राम है जिसके अंदर आपको एक हेड रीजन मिलता है, एक मिडिल पीस मिलता है, मतलब एक मिडिल रीजन और एक टेल रीजन मिलता है। तो हेड के अंदर जो एक बाहर की कैप होती है उसको हम कहते हैं एक्रोसोमल कैप, बीच में न्यूक्लियस होता है आपका, और जो मिडिल रीजन होता है इसके अंदर मेनली आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं जो इसको एनर्जी का देने का काम करेंगे। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, तो इसको एनर्जी देने का काम करेंगे। और लास्ट में इसका एक एक्सियल फिलामेंट है जो बाहर जो है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक सेल ही है, सेल के बाहर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बाहर लास्ट में जाकर टेल बनती है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपका, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे पीछे के वीडियो में हमने किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे पहले हम प्लांट्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे मैंने आपको कल बताया था, मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है, ऐसे ही फीमेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो पेयर ऑफ ओवरीज होता है, दो ओवरीज होती हैं लेफ्ट और राइट साइड दोनों में। इसके साथ साथ इसके अंदर सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर एसेसरी डक्ट्स आते हैं, इसके अंदर आपका वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट आता है। साथ में यदि आप ग्लैंड्स की बात करें तो फीमेल के केस में मेमोरी ग्लैंड्स भी आते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं, द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन ओवरीज। तो जो ओवरीज का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा अब, कि भी जो फीमेल जर्म सेल यानी एग को बनाना, ये इसका मेन फंक्शन हो जाएगा। साथ में जो फीमेल के हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स की भी प्रोडक्शन करना, इसका ओवरीज का फंक्शन हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ, दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनकी भी प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका ओवरीज। लुक एट फिगर 8.11 एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो डायग्राम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम सीधा आ सकता है आपको, ड्रॉ द अवेलेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर आपको ओवरीज दिखानी है दोनों, साथ में ओवरीज से एक ट्यूब निकल रही है दोनों साइड जिसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ये जहाँ पर ओपन हो रही है इसको हम कहते हैं यूट्रस। यूट्रस की ओपनिंग जो है वो एक सर्विक्स के अंदर होती है और सर्विक्स आगे जाकर के वजाइना। तो ये आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको डायग्राम को ध्यान से देखें। व्हेन ए गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग। जब कोई फीमेल गर्ल बोर्न करती है तो उसकी ओवरीज के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग्स होते हैं, जो एग्स हैं जो कि अभी इमैच्योर हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। प्यूबर्टी यानी एडोलेसेंस एज के ऊपर, टीन एज के ऊपर जब ये जो एग हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाई वन ऑफ द ओवरीज। दोनों ओवरीज में से एक एग हर एक 28 डेज के अंदर मैच्योर होता है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम्ब थ्रू ए थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। देखिए डायग्राम से आप समझिए क्या कह रहे हैं, कि हर एक 28 डेज के अंदर ओवरीज से एक एग मैच्योर होकर के बाहर निकलता है। 28 डेज के अंदर 14वें दिन के अंदर वो जो एग है वो इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर होता है, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन, कि भी रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये 28 डेज की साइकिल है, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर एक 28 डेज में स्टार्ट होती है। स्टार्ट कब होती है, तो जब प्यूबर्टी एज जो होती है स्टार्ट होती है, और जो उनकी कंडीशन होती है स्टार्ट होने की उसको बोलते हैं मेनार्क। जब पहले आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर आती है तो उसको बोलते हैं मेनार्क। अब देखिए जब एग रिलीज हुआ 14th डे के ऊपर तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा और यहाँ से वो यूट्रस के अंदर आता है। तो ये सब हर एक 28 डेज के अंदर हो रहा है। अगर
इसी टाइम मान लीजिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है और स्पर्म भी आता है आपकी वजाइना से, तो ये यहाँ पर यूट्रस के, आप कह सकते हो फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस के बीच में इधर कहीं, यहाँ पर वो एग से मीट करेगा और जायगोट बनेगा और वो यूट्रस के अंदर डेवलप होगा। तो ऐसा कुछ चलता है। द एग इज़ कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम्ब थ्रू द थिन ओविडक्ट। जो एग जो है वो ओवरी से लेकर और यूट्रस तक लेके जाया जाता है थ्रू ए फेलोपियन ट्यूब, जो हमने अभी देखा। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। तो जो दोनों ओवरी डक्ट हैं, दोनों जो फेलोपियन ट्यूब है, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होते हैं जिसको हम कहते हैं यूट्रस, और यूट्रस ओपन होता है वजाइना किसके थ्रू, थ्रू द सर्विक्स। तो डायग्राम से आपको समझ आ गया होगा। यदि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, देखिए द स्पर्म एंटर थ्रू द वजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस दौरान जो है वो इंसेमिनेशन के थ्रू स्पर्म जो है वो वजाइना के अंदर आते हैं। दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे एनकाउंटर द एग। तो क्या होता है, जो वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हुए सर्विक्स से होते हुए वजाइना और उसके बाद फेलोपियन ट्यूब तक वो पहुंच जाते हैं, ओविडक्ट के पास हो जाते हैं और वहां पर उसको एग मिलता है। द फर्टिलाइज्ड एग या जायगोट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म बॉल्स ऑफ सेल्स और एम्ब्रियो। और जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको जायगोट मिलता है, सिंगल सेल का होता है, और जायगोट जो आगे माइटोसिस आगे सेल डिवाइड करता है उसके अंदर बहुत सारी सेल्स बन जाते हैं जिसको हम एम्ब्रियो बोल देते हैं। एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप्स ऑर्गन्स टू बिकम फिटस। तो देखिए आप डायग्राम में, मान लीजिए यहाँ पर वो जायगोट बन चुका है, अब ये सेल में डिवाइड करेगा और अपने आप को साइज़ को बड़ा करेगा, तो ये कहाँ पर कहीं ना कहीं अटैच होकर के अपना साइज़ को ग्रो करता है। जहाँ पर अटैच होगा तो वो है यूट्रस के अंदर की वॉल जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, आपको याद रखना है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के ऊपर वो अटैच होता है और एंडोमेट्रियम से अटैच होकर के वो वहीं पर अपनी ग्रोथ बनाता है और अपने ऑर्गन्स को डेवलप करता है जिसको हम आगे जाकर के फिटस बोलेंगे। फिटस क्या हो गया, मोर डेवलप फॉर्म ऑफ द एम्ब्रियो। वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शंस दैट द मदर्स बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो हमने पीछे देखा है कि जो मदर की बॉडी होती है वही जो है वो चाइल्ड को बर्थ, चाइल्ड की नरिशमेंट हो गया देने में काम करती है। द यूट्रस प्रिपेयर इट सेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड मैच्योर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, नेचर नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो जो 28 डेज में होता है, जो हर एक 28 डेज के अंदर यूट्रस जो अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि जो यदि जायगोट डेवलप होता है तो उसको रिसीव करना और उसको नर्चर करना, उसको नरिशमेंट देना। द लाइनिंग थिकन्स एंड रिचेज सप्लाई विद ब्लड और नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो क्या होता है, जो यूट्रस के अंदर की वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड की सप्लाई हो जाती है ताकि वो अगर एम्ब्रियो बनता है, यदि जायगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट कर सके। द एम्ब्रियो गेट्स नरिश न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। तो जो एम्ब्रियो है वो मदर की ब्लड से वो न्यूट्रिशन लेता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ करके जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा क्या है, दिस इज ए डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूट्राइन वॉल के अंदर एम्बेडेड होता है। इट कंटेन्स विलाई ऑन एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। तो ये विलाइज कंटेन करता है जिससे एब्जॉर्प्शन होता है, एम्ब्रियो की साइड जो टिश्यू होता है वहाँ पर ही विलाइज कंटेन करता है। ऑन द मदर साइड ब्लड स्पेसिज विच सराउंड्स द विलाई। और जो दूसरी साइड होता है वो ब्लड के आसपास जो विलाइज होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है ताकि वो ब्लड से न्यूट्रिशन को लेकर के एम्ब्रियो तक पहुँचाए। दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। तो इससे क्या होता है, जो लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण ग्लूकोज और ऑक्सीजन एम्ब्रियो तक पहुँचता है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। तो क्योंकि आपका एम्ब्रियो है तो उसको ने जब न्यूट्रिशन लिया तो वो जो वेस्ट जो निकलेगा उस वेस्ट को भी वो एम्ब्रियो बाहर निकालता है और वो वेस्ट प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में मिक्स होकर के मदर की बॉडी के थ्रू बाहर निकलता है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी अप्रोक्सीमेटली टेक्स 9 मंथ। तो ये जो 9 मंथ होता है इसको बोलते हैं पार्चुरेशन पीरियड। तो टोटल 9 मंथ के अंदर फुली डेवलप होता है बेबी। द चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर आपका ये एक बीच की वॉल होती है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम, बाहर की वॉल को पेरीमेट्रियम और अंदर की वॉल को एंडोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम जब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है और तब बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चे को बाहर निकाला जाता है। ये तो था कि भाई जब जो एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाएगा, मतलब एग को स्पर्म से मीटिंग हो जाएगी और फर्टिलाइज होकर जायगोट बन जाएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर एग के पास स्पर्म ना पहुंच पाए, यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, यदि वो फर्टिलाइज नहीं हुआ मतलब स्पर्म के साथ मीटिंग नहीं हुई, इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे। तो ये एक दिन तक तो रहेगा वहीं पर। सिंस द ओवरी रिलीजेज 1 egg एवरी मंथ, हर एक मंथ में एक एग रिलीज करेगी, द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। तो यूट्रस भी अपने आपको प्रिपेयर करेगा हर एक महीने के भी एक फर्टिलाइज्ड एग उसको मिलेगा ताकि उसको आगे जाकर के जायगोट और एम्ब्रियो में डेवलप करवाए। दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक। तो यूट्रस अपने आपको थिक कर लेता है एंड स्पॉन्जी।
अपने आप को थिक कर लेता है, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशमेंट द एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन हैड टेक प्लेस। और ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि यदि फर्टिलाइजेशन हो गया और एम्ब्रियो बन गया तो उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए वहाँ पर अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, तभी वो अपने आप को प्रिपेयर करता है यूट्रस। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, क्योंकि अभी एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, कोई भी स्पर्म नहीं आया, तो अब इस लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। जो थिक लाइनिंग हमने बनाई है यूट्रस ने, उसकी उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। सो लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो लाइनिंग जो है वो कुछ समय के बाद, क्योंकि स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइज नहीं हुआ एग, और अगला एग हर एक 28 डेज के बाद आएगा, तो दूसरा एग आने से पहले वो पीछे वाला एग को बाहर निकालना है, और वो जो यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर किया था थिक लाइनिंग करने के लिए, थिक अपने आप को बनाया था, थिक ब्लड सप्लाई बनाई थी, उसको ख़त्म करना है। तो वो क्या करेगा, उस लाइनिंग को ब्रेक कर देगा, स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट ऑफ द वजाइना, और वजाइना के थ्रू वो ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। और ये साइकिल हर एक महीने चलती है, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 डेज। और ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसके अंदर की ब्लड की फॉर्म, ब्लड और म्यूकस बाहर निकलता है वजाइना से, ये 2 से और मैक्सिमम 8 दिन तक चल सकता है। तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको भी ज़्यादा डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले एनसीईआरटी को ही करना है, इसी के ही नोट्स करने हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में स्टडी करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखिए तो स्टडी करते हैं। एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। क्या कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की जो एबिलिटी है, आपको पता है कि जो कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो बाय बर्थ सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता है, वो कुछ सर्टेन एज के बाद उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। तो जो सेक्सुअली मैच्योर होने का जो प्रोसेस है वो बहुत ग्रेजुअल होता है, वो बहुत धीरे धीरे होता है। और कैसे होता है कि हमारी बॉडी ग्रोथ भी साथ साथ हो रही होती है, जो जनरल बॉडी ग्रोथ है वो भी साथ साथ चल रही होती है, और उसके साथ साथ ही आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी भी चल रही होती है। Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that body or the mind is ready for sexual act for or for having and bringing up children. तो क्या कहता है कि कोई अगर थोड़ा सा भी, अगर थोड़ी बहुत सेक्सुअल मैच्योरिटी है, यानी अभी सेक्सुअल मैच्योरिटी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो इंडिविजुअल है वो कम्प्लीटली सेक्सुअल एक्ट के लिए, या उसका माइंड जो है वो कम्प्लीटली सेक्सुअल एक्ट और चिल्ड्रंस को ब्रिंगिंग अप करने के लिए रेडी है। वो कंप्लीट होने के बाद ही उसको हम सेक्सुअली मैच्योर बोलेंगे। हाउ डू वी डिसाइड इफ़ द बॉडी और द माइंड इज़ रेडी फॉर दिस मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि जो बॉडी और माइंड है, कोई भी इंडिविजुअल है उसका बॉडी और माइंड है इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी है। ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर एंड अबाउट दीज इशू। बहुत सारे प्रेशर होते हैं इस इशू से रिलेटेड। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज़ वेदर वी रियली वॉन्ट टू और नॉट। तो फ्रेंड्स से भी काफ़ी प्रेशर होते हैं। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज, फैमिली मेम्बर्स से भी प्रेशर होते हैं टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। तो अपनी फैमिली के भी प्रेशर होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती हैं जो आपको ये उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भी चिल्ड्रंस को ज़्यादा नहीं करना पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। तो सोसाइटी के हर कॉर्नर से इस मैटर के अंदर प्रेशर फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइस कैन बी वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसी कंडीशन के अंदर चॉइस, किसी भी चीज़ के बारे में एक चीज़ को चूज करना बहुत मुश्किल होता है। वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग सेक्स। तो हमने कहा कि अब इसके बारे में हम कि भाई हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज, हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट करते हैं सेक्सुअल एक्ट के। वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 9th दैट डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम 1 पर्सन टू द अदर इन वैरायटी ऑफ वेज। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा व्हाई डू वी फॉल इल, उसके अंदर आपने जाना होगा कि भाई डिजीज जो हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं। सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज़ ए वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो सेक्सुअल एक्ट के दौरान भी बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस सच एज गोनोरिया एंड सिफिलिस। नाम याद रखना है बैक्टीरिया से कौन सी हो रही है। तो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं, उसके अंदर गोनोरिया और सिफिलिस दो हो सकते हैं। एंड वायरल इन्फेक्शंस, और कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो सकती हैं जिसके अंदर एक वर्ड्स है एंड एक HIV/AIDS है। HIV/AIDS के अंदर आपको एड्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, HIV की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। HIV होता है का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस,
और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सी हैं, बैक्टीरिया के कारण कौन सी डिजीज होती हैं, तो गोनोरियो एंड सिफिलिस। और वायरल इन्फेक्शन कौन सी हैं, तो वर्ड्स एंड एड्स। इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट, क्या ये पॉसिबल है इन इन्फेक्शंस को या इन डिजीज़ को रोका जा सकता है। यूजिंग ए कवरिंग कॉल्ड कंडोम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेनी सच इन्फेक्शंस, तो इन सब इन्फेक्शंस को रोकने के लिए पेनिस के ऊपर एक कवरिंग आती है जिसको हम कंडोम बोलते हैं, तो इसका अगर यूज करते हैं तो ये काफ़ी हद तक इन इन्फेक्शंस को रोका जा सकता है। द सेक्सुअल एक्ट ऑल्सो हैज़ द पोटेंशियल टू लीड प्रेगनेंसी, सेक्सुअल एक्ट के का ये भी पोटेंशियल है, ये भी एबिलिटी है कि इसके कारण प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमेन, तो प्रेगनेंसी के कारण वुमेन की बॉडी और माइंड के ऊपर काफ़ी अलग चेंजेज आते हैं, अलग अलग डिमांड्स होते हैं फिर बॉडी की। इफ़ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, यदि वो रेडी नहीं है मेंटली हो चाहे फिजिकली हो तो उसकी जो हेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। Therefore, many ways have been devised to avoid pregnancy. तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। These contraceptive methods, वर्ड याद रखना है contraceptive, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि what are the contraceptive methods to avoid pregnancy? These contraceptive methods fall in a number of categories. तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। One category is creation of mechanical barrier. पहला जो है वो कोई mechanical barrier बीच में ऐड करना ताकि वो sperm और ovum की मीटिंग ही ना हो पाए। दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग, तो स्पर्म एग तक ही ना पहुँच पाए उसको कुछ ऐसा करना है, तो इसके अंदर एक मैकेनिकल बैरियर लगाया जाता है। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कंडोम्स ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वोर्न इन द वजाइना कैन सर्व दिस पर्पस, तो ये मैकेनिकल कवरिंग मेल के लिए भी हो सकती है और फीमेल के लिए भी हो सकती है, तो इसको यूज करके आप स्पर्म और एग की मीटिंग को रोक सकते हैं। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट्स बाई चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर, दूसरा जो प्रोसेस है कि भाई हार्मोन्स का जो लेवल है या हार्मोन्स के लेवल को ही कुछ चेंज कर दिया जाए ताकि जो हर एक 28 डेज के अंदर एक एग मैच्योर होकर के बाहर आ रहा है वो ना आए। दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली एज पिल्स, तो इसको टैबलेट्स या गोली के रूप में लिया जाता है ओरली। हाउएवर दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेज दे कैन कोज साइड इफेक्ट्स, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इसको हम ओरली ही ले सकते हैं, इसको हम कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज लूप और कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो अलग भी मेथड होते हैं इसके अंदर, दो आते हैं, एक लूप होता है और एक कॉपर टी होता है, तो इसको हम यूट्रस के अंदर इंस्टॉल करते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो। यूट्रस अब कॉपर धोएं तो कॉपर का जो मेटल के आयंस होते हैं, जो कॉपर के जो एटम्स होते हैं वो स्पर्म्स के मूवमेंट को रोकते हैं, स्पर्म को किल कर देते हैं, तो कॉपर्टी अगर यूट्रस में लगी हुई है और वहाँ पर स्पर्म आता है तो वहाँ पर स्पर्म डेड हो जाता है उसके एटम से, आयन से, कॉपर के प्लेस होने से। अगेन दे कैन कोज साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस, तो ये साइड इफेक्ट हो सकता है, आपको पता है यदि मेटल की कोई चीज़ यूट्रस के अंदर इंस्टॉल की हुई है तो वो इरिटेशन कर सकती है, किसी भी तरह की इन्फेक्शन भी कर सकता है। अगला है इफ़ द वास्ट डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड द स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड, तो जैसे हमने मेल के केस में डायग्राम देखा था तो टेस्टिस से एक ट्यूब निकल रही है बाहर जिसको हमने कहा था वैस डिफरेंस, जो कि यूरिथ्रा के अंदर फिर ओपन हो रही है, तो यदि इस ट्यूब को ही कट करके और यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाए, बांध दिया जाए, तो इसका मतलब यहाँ से जो स्पर्म आए तो गए लेकिन वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे, तो ये क्या होता है, ये ऑपरेशन से होता है, ये सर्जिकल मेथड है, तो इसके अंदर क्या होता है वैस डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है, इसको ये मेल के केस में होता है इसको हम कहते हैं वैसेक्टोमी, वी से याद रखना है वैसेक्टोमी ये। और यदि फीमेल के केस में जैसे दो ओवरीज बताई थी और उनसे फेलोपियन ट्यूब निकल रही है और फिर बीच में यूट्रस है, अब तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसको ही यदि कट कर दिया जाए तो जो एग जो मैच्योर हो रहा है तो वो स्पर्म से मीट नहीं कर पाएगा, तो ऐसे भी इसको प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल इज ब्लॉक्ड एंड द एग विल नॉट एबल टू रीच द यूट्रस, यूट्रस तक ही एग नहीं पहुंच पाएगा। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, दोनों ही केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि स्पर्म और एग फ्यूज नहीं कर पाएंगे। इन दोनों मेथड्स को हम कहते हैं सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स, तो सर्जिकली ये सब किया जाता है। वेल सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन लॉन्ग टर्म, सर्जिकल इटसेल्फ कैन कोज इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली, तो सर्जिकल मेथड्स के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि भैया यदि उसका सर्जरी प्रॉपर से नहीं की गई तो उसमें दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, इन्फेक्शन भी आ सकते हैं।
सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उनको भी आप सर्जरी मेथड से रिमूव कर सकते हैं। दीज मे बी मिस यूज बाय पीपल हु डू नॉट वांट ए पर्टिकुलर चाइल्ड एज हैपेंस इन द इलीगल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल फिटस। तो ये आपका फीमेल फिटिसाइड का टॉपिक आ चुका है कि भाई कुछ लोगों को फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए तो उसके लिए इसका यूज करते हैं अबॉर्शन का, ताकि वो फीमेल जो गर्ल है उसको यूट्रस के अंदर ही किल किया जाता है। इसको फीमेल फिटिसाइड कहते हैं, लेकिन ये एक हेल्दी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। ये सेक्स रेशियो को रोकता है और सोसाइटी के ऊपर भी इसका सोशली भी अच्छा मैसेज, अच्छा इमेज नहीं जाता है। फॉर हेल्दी सोसाइटी फीमेल एंड मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फिटिसाइड चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट इन सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। तो ये काफ़ी सीरियस इशू है, इसको हमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। खासकर हमारे एरिया के अंदर ये काफ़ी होता है, तो ये फीमेल फिटिसाइड बहुत ही रेकलेस इशू है। ऑल दो पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, हालांकि कानून के द्वारा इसको रोका गया है कि भी किसी भी बच्चे का हम सेक्स पता नहीं कर सकते यूट्रस के अंदर कि मेल रहेगा वो फीमेल, वो इलीगल है। वी हैव नोटेड अर्लियर दैट रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज द पॉपुलेशन। तो रिप्रोडक्शन से पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाता है, सर्वाइवल किया जाता है, स्पीसीज की मेंटेनेंस की जाती है। द रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इन ए गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। तो पॉपुलेशन का साइज कौन बताएगा कि भाई कितने का जन्म हुआ और कितने मर रहे हैं, तो जो नेट जो रहेगा वो साइज रहेगा। द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज ए कॉज फॉर कंसर्न ऑफ मैनी पीपल। तो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये भी चिंता का विषय है। दिस इज बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबडीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो बढ़ती पॉपुलेशन है वो हर एक जो इंडिविजुअल है उसकी नीड को पूरा नहीं कर सकते। हाउ एवर इफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इज द मेन रीजन फॉर पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर मैनी पीपल, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट। तो जो इनइक्वालिटी है जो सोसाइटी के अंदर, वो भी एक बड़ा कारण है। इफ़ यू लुक अराउंड अस व्हाट कैन वी आइडेंटिफाई एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर पुअर लिविंग स्टैंडर्ड। तो यदि आप सोसाइटी के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पुअर है और कुछ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा है, तो ये जो डिफरेंस है इसका क्या कारण हो सकता है। तो ये था आपका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसमें ज़्यादा भाषण ही था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, लेकिन इसमें आपको एक तो याद रखना है जो इन्फेक्शंस के बारे में कि बैक्टीरियल कौन सी हैं, वायरल कौन सी हैं। इसके बाद आपको याद रखना है जो प्रेगनेंसी के जो मेथड्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं, ओरल पिल्स हैं, उसके बाद मैकेनिकल बैरियर्स हैं, तो इनको याद रखना है। यही है आपका चैप्टर और इसी के साथ ये एनसीईआरटी से आपका ख़त्म होता है। अभी आपको इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं।